सभी हाथ ध्यान मुद्रा में करें, तीन बार ओम का ध्यान करेंगे, सांस भरें। और ठंड से होने वाले सारे रोग हो जाते हैं, सर्दी, जुकाम,
निमोनिया अस्थमा सब रोग हैं अग्नि तत्व के कम होने से होते हैं। पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है क्योंकि हमारा पाचन भी अग्नि से ही होता है, जठराग्नि हम बोलते हैं। पांच प्रकार की अग्नियां हमारे हैं पाचन तंत्र में, तो पांचों की पांची कमजोर हो जाती है तो पाचन कमजोर हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, निम्न रक्त चाप और डिप्रेशन, मानसिक तनाव भी उत्पन्न होना शुरू, मेंटल इम्बैलेंस भी हो जाता है और नपुंसकता भी होती है अग्नि तत्व के कम होने से। अग्नि के बाद जो है ये अग्नि तत्व मैंने बताया था अंगूठा, अग्नि तत्व के बाद क्या है वायु तत्व। वायु गति का प्रतीक है, वायु का काम है गति देना। हमारे शरीर में जो हम मूवमेंट करते हैं, शरीर में जहाँ भी हाथ चलते हैं पैर चलते हैं, ये वायु तत्व के कारण है। तो वायु तत्व बढ़ जाता है जब जो है तो क्या होता है हमारे वायु फंस जाती है शरीर के अंदर, अब फिर जोड़ों के दर्द शुरू होते हैं, गठिया रोग होना शुरू हो जाता है वायु तत्व बढ़ने से, आपके डकार आने शुरू हो जाते हैं। गति जब कम होती है तो लकवा तक भी हो जाता है, पोलियो भी हो जाता है, ये सब वायु तत्व के बढ़ने के कारण से होते हैं। मधुमेह भी होता है, इसलिए है नस नाड़ियां शरीर के अंदर जब वायु फंस जाती है तो सिकुड़नी शुरू हो जाती है, उस वजह से हार्ट डिजीज भी होता है, एंजाइना भी होता है, उसके वजह से छाती में भी दर्द होता है और हार्ट अटैक भी वायु तत्व के बढ़ने के कारण होता है, क्योंकि नस नाड़ियां आर्टरी शिंग करना शुरू कर देती है। तो ये सारे रोग जो है वायु तत्व के बढ़ने से हैं, क्योंकि वायु का काम है अंदर जाकर सुखा देना। जब वायु एक्सेस हो गई, संतुलन बिगड़ गया, तो वो सुखा देती है नस नाड़ियों को। नस नाड़ियों को सूखने से जो है वहाँ गति जो है ऑक्सीजन की कमी फ्लो कम हो जाता है, रक्त संचार जो है वो कम हो जाता है और फिर हमें दर्द, जहाँ पीड़ा होती है सीधा दर्द है वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है। शरीर में किसी भी अंग में पीड़ा होने का मतलब है वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, वायु तत्व की वहाँ जो है वायु तत्व शरीर में फंस गया है नस नाड़ियों में और वायु ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है वहाँ पर कट के रास्ते से। और अगर वायु तत्व कम हो जाए तो फिर क्या होता है, वायु तत्व के कम होने से स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है फेफड़ों, क्योंकि ऑक्सीजन सीधा कहाँ जाती है फेफड़ों में, फेफड़े कमजोर होते हैं ऑक्सीजन की कमी से, हृदय रक्तचाप जो है हृदय जो है ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं उससे जो है, अनिद्रा इनसोमनिया नींद नहीं आती ठीक से जो है, याददाश्त कमजोर होती है, निराशा उदासी अवसाद डिप्रेशन, ये सब रोग जो हैं मानसिक रोग भी होते हैं, ये वायु के रोग हैं सारे जो हैं। हमारे शरीर के अंदर आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद में वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, ये पांच तत्व मिलकर भी तीनों दोष बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा वायु के रोग ही होते हैं वात रोग, 60-70% रोग हैं वो वात रोग हैं, 80 प्रकार के वात रोग हैं, 40 प्रकार के पित्त रोग हैं और 20 प्रकार के कफ रोग हैं। तो सबसे बड़ी समस्या वात रोगों की है आजकल, यही हो रहा है, हृदय की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है, नींद नहीं लोगों को आती है, डिप्रेशन हो जाता है, सुइसाइड लोग कर रहे हैं, ये सब वात रोग हैं सारे के सारे के वायु के बढ़ने या कम होने के कारण है। इसका क्या मतलब होगा कि अगर हम किसी तरह से वायु का जो बढ़ गई है या कम हो गई उसको अगर नॉर्मल स्तर पर ले आए तो ये वात रोग अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सिंपल है ये। उसके बाद है आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब है खाली पन, विस्तार जो है, सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, अनंत है ये, ब्रह्मांड में भी और हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा खाली तत्व है। अब बड़ी उंगली से सबसे बड़ी उंगली ये इसकी प्रतीक है आकाश तत्व। आकाश तत्व का संबंध है ध्वनि से, बोलने से भी और सुनने से भी, दोनों ध्वनि से, ध्वनि सुनना और ध्वनि बोलना दोनों।
तो आकाश तत्व के बढ़ने से और घटने से दोनों से जो है सुनने को रोग होते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम होती है, कानों में दर्द भी होता है, थायराइड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गले से संबंध इसका जो है गले के रोग होते हैं, गले से भी संबंध है। आकाश तत्व जो है इसके कमी से, इसके बढ़ने से, आकाश तत्व के बढ़ने से कमी से क्या होता है, फुलिशनेस, निरर्थकता, पागलपन तक हो जाता है। रिटार्ड, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, उनके आकाश तत्व की कमी है, उनमें आकाश तत्व की कमी से हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मीनिंगलेस बातें करते हैं, निरर्थक बातें करते हैं। हृदय रोग भी होते हैं, कैल्शियम की कमी भी होती है, आकाश तत्व के कमी से जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जबड़े की जकड़न हो जाती है, थायराइड का रोग होते हैं। और आकाश तत्व की अगर जो है बढ़ जाए, आकाश तत्व घुटन होती है, छोटा जितना आपका खूना छोटा होगा, स्टोर में बंद कर दें आपको तो आपको घुटन होनी शुरू हो जाएगी। दो कारण है उसके, एक वायु तत्व और एक आकाश तत्व। तो आकाश तत्व जो कि बहुत बड़ा है, इसलिए ये कहना है कि आकाश तत्व बढ़ने से या आकाश तत्व के घटने से कानों के रोग होते हैं, यार बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अब दोनों तरह से जो है, बढ़ने से भी या घटने से भी कानों के रोग होते हैं, दोनों तरह से थायराइड के रोग भी होते हैं, दोनों तरह से गले के रोग भी होते हैं। उसके बाद आगे है आपका पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। भोजन से हमें क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। जब भोजन बढ़ जाता है तो क्या होता है, मोटापा आना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ने से क्या होता है, सुस्ती आती है, निद्रा आती है, आलस आता है, स्थूलता बढ़ जाती है शरीर के अंदर। आपने जिस देखा होगा, जिस दिन भी आप खाना ज्यादा खा लेते हो, उस दिन जो है नींद आनी शुरू, उसी वक्त नींद आनी शुरू हो जाती है। पृथ्वी तत्व के बढ़ने से आपको मोटापा, वजन में बढ़ोतरी, उच्च मोटापे के कारण होने वाले रोग, उच्च रक्तचाप हो जाता है, शरीर में पानी तांत्रिकता बढ़नी शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। और पृथ्वी तत्व काम हो जाएगा, मतलब है कि पृथ्वी भोजन से हमें या तो ठीक से भोजन नहीं मिल रहा है, या भोजन से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, मुझे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो क्या होगा, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर भी लो होगा, उससे जो है चक्कर आएंगे, खून की कमी होगी, होमोग्लोबिन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, शरीर में हर किस्म के कमजोरी के रोग आते हैं पृथ्वी तत्व की कमी से। और लास्ट तत्व है जल तत्व। जल तत्व जब कम हो जाता है तो सब जानते हैं क्या होता है, जल तत्व जो उल्टियां आती हैं, लूज मोशन लग जाते हैं, तो जल तत्व कम हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं ओवरएसपीओ, पानी की कमी हो गई शरीर में। और पानी की कमी से एक आध दिन में डेथ भी हो जाती है ऐसे केसेस में जो है। तो जल तत्व की कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। सबसे पहला डिहाइड्रेशन होती है जल तत्व की कमी से जो है। और जल तत्व की कमी से जो है दिमाग भी कमजोर होता है, साथ में जो है आपा, चेहरे की आपा जो है, झुर्रियां बड़ी जल्दी पड़ती हैं, स्किन सूखनी शुरू। जल तत्व के कारण हमारी स्किन जो है सॉफ्ट रहती है। जब जल तत्व कम होता है तो स्किन जो है वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है, बुढ़ापा बहुत जल्दी आती है, झुर्रियां बहुत जल्दी पड़ती हैं, स्किन डिजीजेस भी होते हैं जल तत्व की कमी के कारण, क्योंकि शरीर सूखना शुरू हो जाता है, शरीर में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जल क्या है, शीतलता प्रदान करता है। आपको जब भी गर्मी लगती है तो क्या करते हैं, नहाते हैं या पानी पीते हैं, शांत करने के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए। तो गर्मी, जल तत्व की कमी से गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है शरीर में, और सारे स्किन डिजीज भी होते हैं जल तत्व की कमी से। मूत्र रोग भी होते हैं इससे जो है, त्वचा में जलन होती है, और हमारे प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है
वो भी कमजोर होना शुरू हो जाता है क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का संबंध जल से है. पुरुषों में वीर्य बनता है, महिलाओं में अंकोशों में ओवरीज हैं, ये सारा जो है जल तत्व का शासन. जल की कमी से ये अंग कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनका स्राव वहाँ कम होना शुरू हो जाता है, वीर्य भी पतला होना शुरू हो जाता है, ये सारे रोग से पुंसक का भी आती है. और शरीर में ज्यादा तो बढ़ जाए, चेहरे पर सूजन आ जाती है, हाथों पर सूजन, पेट में पानी बढ़ जाता है, छाती में पानी बढ़ जाता है, टांगों में सूजन, कहीं भी चीज सूजन चीज में आ जाए तो सीधा आपको ऑब्वियसली पता चल जाता है कि जल है. आपने कई बार देखा होगा कि जब किडनी का रोग, पैर सूज जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं किडनी का रोग आपको हो गया है, पेशाब ठीक से नहीं आ रहा है, तो जल तत्व बढ़ गया है. मूत्र रोग भी होते हैं जल तत्व के बढ़ने से भी और घटने से भी. तो ये पांच तत्वों में शरीर के सभी जितने भी रोग होते हैं इन पांचों तत्वों के कम या ज्यादा होने से, इनके बैलेंस के बिगड़ जाने से होते हैं. अब प्रश्न ये उठता है कि इनको ठीक कैसे करना चाहते. अब ठीक करने का भगवान ने हमें जो है मैंने बताया था ये पांच उंगलियां दी हैं. अब मैंने उंगलियाँ आपको बता भी दी हैं, छोटी उंगली जल तत्व, यह नामी उंगली वृत्ति तत्व, ये आकाश तत्व, ये वायु तत्व और ये अग्नि तत्व. जब हम किसी भी उंगली को अंगूठे के साथ टच करते हैं, मान लो जल तत्व छोटी उंगली से टच किया, क्या होता है, वो तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है. बहुत सिंपल सी बात है. अगर अनामी का उंगली से टच किया तो पृथ्वी तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर आकाश तत्व से टच किया तो आकाश तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर वायु तत्व से टच किया तो वायु तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है. अब बढ़ने के बाद एक बैलेंस बनता है, ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचता है, उसके बाद अनलिमिटेड नहीं बढ़ता है. ये बड़ी खूबी है इसकी. और जब हम इसको मोड़ देते हैं किसी उंगली को, मान लो हमने जल तत्व की उंगली को मोड़ा, तो बढ़े हुए जल तत्व को ये कम करता है. इसी तरह पृथ्वी तत्व वाली नानामी का उंगली को मोड़ा और दबा दिया अंगूठे से, तो जो पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है वो कम होना शुरू हो जाता है. इसी तरह आकाश तत्व बढ़ा हुआ अगर है तो उसको कम करना है तो क्या करना है, मिडिल फिंगर को मोड़कर दबा देना है. वायु तत्व बढ़ा हुआ है तो रजनी उंगली को मोड़कर दबा देना है, तो वायु तत्व कम होना शुरू हो जाता है. इस प्रकार से हमारे इन चार उंगलियों के प्रयोग से और अंगूठे के प्रयोग से, अंगूठा हर मुद्रा में बन रहा है, या जोड़ते भी हैं या मोड़ते भी हैं तभी अंगूठे का प्रयोग हो रहा है. तो चार उंगलियां से चार मुद्राएं एक बनी जोड़ने से, और चार मुद्राएं बनी मोड़ने से. ये आठ प्रकार की मुद्राएं बनती हैं जिनको कहते हैं तत्व मुद्राएं, क्योंकि ये तत्व विज्ञान पर आधारित है, ये तत्व है. आठ तत्व मुद्राएं बनती हैं. इन आठ तत्व मुद्राओं से हम अपने शरीर के 50-60% रोगों को खत्म कर सकते हैं. बहुत सिंपल है, इतना सिंपल ये चिकित्सा प्रणाली है. आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी हॉस्पिटल के पास नहीं जाना है, घर में भी किसी को बताने की जरूरत नहीं क्या हो रहा है आपको, कई गुप्त रोग भी होते हैं. तो आप बड़े आराम से इन उंगलियों के प्रयोग से अपने शरीर में संतुलन पैदा कर सकते हैं, तत्वों में संतुलन पैदा कर सकते हैं. सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को. ये पांच तत्व जो हैं हमारे शरीर में, सात चक्कर हैं योगा के अनुसार. सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, रीढ़ के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से, यहाँ गुदा द्वार है वहां पर है मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द बॉडी. उसी से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, और शक्ति किसे मिलती है, पृथ्वी तत्व से. तो मूलाधार चक्र का संबंध जो है पृथ्वी तत्व से, मूलाधार चक्र का संबंध, मूलाधार चक्र का संबंध नाभि से नीचे सात पैरों तक है. हमें स्ट्रेंथ तो होगी तो हम चल करेंगे, नहीं तो गिरेंगे जब, ठीक है. तो ये सारे जो है पृथ्वी तत्व जो है मूलाधार चक्र से संबंधित है, और उसके ऊपर आता है गोदा से ऊपर और ये नाभि से नीचे, बीच में है स्वादिष्टान चक्र,
जिसका संबंध जो है प्रजन अंगों से है, काम शक्ति से भी है। काम शक्ति वीक भी हो जाती है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से का। हमारी सृजन शक्तियां जो हैं, क्रिएटिव एबिलिटी जो है, सिर्फ काम शक्ति नहीं, ऑल क्रिएटिव एबिलिटी, वो भी जो है स्वादिष्ट चक्र के साथ जुड़ी हुई है। स्वादिष्ट चक्र का संबंध जल तत्व से, इसीलिए जल की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके ऊपर जो होते हैं नाभि, नाभि को कहते हैं, नाभि के पीछे है मणिपुर चक्र, और नाभि के जितने ऑर्गन है उनका संबंध है पाचन शक्ति से जो है। जितने भी हमारे पाचन अंग है वो नाभि के आसपास ही है। आमाशय ऊपर है, लिवर ऊपर है, तिल्ली है, गैल ब्लैडर है, फिर नाभि से नीचे है, छोटी आंत आ जाती है, बड़ी आंत आ जाती है। ये पाचन अंग जितने भी हैं ये नाभि के साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअली नाभि हमारे शरीर का मूल केंद्र है। नाभि के साथ ही जो है सारे शरीर की नस नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो नाभि के साथ ही उसकी नाड़ होती है। तो नाभि हमारे नाभि सेंटर है शरीर की बिल्कुल जो है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर चक्र, इसीलिए इसको कहते हैं। और इसका संबंध है अग्नि तत्व से, क्योंकि पाचन का संबंध किससे है? अग्नि तत्व से। अग्नि अगर आपकी मंद हो जाती है तो पाचन नहीं होता है। अग्नि के और पांचों तत्व मैंने कहा अग्नि है हमारे पाचन तंत्र में, उनका संबंध जो है मणिपुर चक्र से है। वायु हृदय के पीछे अनाहत चक्र है, हृदय के पीछे उसका संबंध है वायु तत्व से। हृदय का संबंध किससे है? ब्लड सर्कुलेशन से। हृदय का संबंध लंग्स के साथ, फेफड़ों के साथ, फेफड़े काम ठीक से करते हैं तो हृदय काम करता है। तो ये दोनों ऑर्गन का संबंध वायु तत्व से है, और इसके पीछे जो अनाहत चक्र है वो भी वायु तत्व से जुड़ा हुआ। उसके बाद आता है हमारा जो है आकाश तत्व। आकाश तत्व का संबंध यहाँ पर गले के पीछे जो है विशुद्धि चक्र है, ठीक है। विशुद्धि चक्र का संबंध थायराइड ग्रंथि से भी है, पैराथायराइड ग्रंथि से भी है विशुद्धि चक्र। तो आकाश तत्व का संबंध जो है विशुद्धि चक्र से। आकाश तत्व का संबंध मैंने पहले बताया गया है, सुनने से भी है, बोलने से भी है, यहाँ टॉन्सिल भी अंदर, स्वर बॉक्स भी अंदर ही, यहाँ पर गला हमारा जो है। तो ये सारे ऑर्गन जो हैं ये आकाश तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, स्वादिष्टान चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। जब इन तत्वों पांचों तत्वों का बैलेंस बन रहा है एक, तो ये सारे चक्कर भी जो है स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। ये सूक्ष्म चक्र हैं, इनके साथ प्रेशर पॉइंट जुड़े हुए हैं शरीर के अंदर, नस नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं एक एक चक्र के साथ। 33 करोड़ नस नाड़ियाँ शरीर में एक चक्रों के साथ जुड़ी हुई हैं वहाँ पर। जब चक्कर जागृत होते हैं तो ये नस नाड़ियाँ अपने आप इनका शोधन होना शुरू होता है। और जब ये पांच चक्र शुद्ध हो जाते हैं तो आगे चक्र और सहस्रार चक्र जो ब्रेन के साथ जुड़े हैं वो अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। आकाश तत्व बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व है, मैंने बताया आकाश क्या है, सबसे बड़ा तत्व है। इसीलिए ये जो है थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, चयापचय क्रिया। अगर ये बिगड़ जाता है तो सारे शरीर की जो है हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। थायराइड के रोग आजकल बहुत हो रहे हैं तो आकाश तत्व से उसका संबंध है। हमारे ये जो हैं तत्व हैं और उंगलियां हैं ये ग्रहों से भी जुड़ी हुई हैं। ये अग्नि तत्व है, मंगल ग्रह, मार्स, अंग्रेजी में मार्स कहते हैं, हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। वायु तत्व का संबंध यह है बृहस्पति ग्रह से, गुरु ग्रह से है, गुरु या बृहस्पति। आकाश तत्व का संबंध जो है शनि से, सैटर्न। सूर्य अनामी का चक्र जो है ये अनामी का उंगली, पृथ्वी तत्व सैटर्न सूर्य से, सन सूर्य ग्रह से है। और छोटी उंगली जल तत्व जो है इसका संबंध है मून से, मरकरी से, शुक्र ग्रह से। हम इन उंगलियों के प्रयोग से अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं, ग्रहों का इम्बैलेंस भी ठीक कर सकते हैं। जिस उंगली के साथ जोड़ेंगे वो ग्रह डल, वो जो है ग्रह जो है शक्तिवान बनना शुरू हो जाता है। हमने ये अंगूठे के जोड़ा छोटी उंगली ये से, छोटी उंगली से, तो बुध ग्रह हमारा चंद्रमा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, बुध ग्रह स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है।
अगर हमने अनामी का अंगुली से जोड़ा तो सूर्य ग्रह स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, अगर हमने मध्यमा अंगुली से जोड़ दिया उसको तो शनि ग्रह शनि के दोष सारे समाप्त होने, इतनी गजब की विद्या है, शनि के दोष सारे इससे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। और अगर हमने तजनी उंगली से जोड़ा तो बृहस्पति जो है वीक होता है, जब तो बृहस्पति स्ट्रांग होना, गुरु जो है बृहस्पति स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो ग्रहों को भी ठीक करने के लिए ग्रहों की अपने जो ग्रहों के अशुभ प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं मन पर, उन वो भी हम मुद्राओं से ठीक कर सकते हैं, सिर्फ शरीर के रोगों। और जब ग्रह शुभ होते हैं तो शरीर के रोग भी होते हैं साथ में, जो है मन भी प्रभावित होते हैं। आयुर्वेद के तीन तत्व हैं, आयुर्वेद के तीन दोष हैं वात पित्त और कफ। पूरा आयुर्वेद इन तीन त्रिदोष के ऊपर, एक्चुअली ये दोष नहीं है ये शक्तियां हैं, लेकिन जब ये इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो ये दोष बन जाते हैं, इसीलिए इसको त्रिदोष कहा जाता है। ये हमारी छोटी उंगली ये है और साथ में ये अनामिका जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये है कफ, आयुर्वेद का कफ है ये, क्योंकि जल और पृथ्वी से मिल, कफ क्या है श्लेष्मा, म्यूकस जो बन रहा है शरीर के अंदर वो कफ है, तो वो किससे मिलता है जल और पृथ्वी मिलकर, जल और पृथ्वी की उंगलियां बना दीजिए तो कफ बन जाता है। आकाश और वायु दोनों मिलकर वात है, मिडल फिंगर और तर्जनी उंगली मिलकर वात है, और अंगूठा हमारा जो है अग्नि है। इसका मतलब है हम पांचों उंगलियों से तीनों दोषों को भी कंट्रोल, आयुर्वेद के तीनों दोषों को भी कंट्रोल कर सकते हैं इन उंगलियों से, पांचों उंगलियों से पूरा आयुर्वेद इसमें आ जाता है। ये तो है बेसिकली, आठ मैंने बताया था, चार उंगलियां हैं अंगूठे के साथ जोड़ते हैं, आठ तत्व बनते हैं, चार मुद्राएं तत्व को बढ़ाने के लिए, चार उंगलियां जब मोड़ते हैं तो तत्व को घटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम पांच प्राणिक मुद्राएं बनाते हैं। अब हमने एक एक उंगली का प्रयोग किया था, सिर्फ एक एक उंगली का प्रयोग किया था, अब हम दो दो उंगलियों का प्रयोग करेंगे, एडजेसेंट वाली दो उंगलियां, ये दो उंगलियां बीच वाली, दो उंगलियां साइड वाली, फिर तीन उंगलियां भी और फिर चारों उंगलियां भी, पांच प्रकार के प्राणिक मुद्राएं बनती हैं, इनको हम प्राणिक मुद्राएं कहते हैं। अब ये प्राणिक मुद्राओं का संबंध जो है, हमारे शरीर में पांच प्रकार की वायु होती है, पंच प्राण होते हैं हमारे शरीर में, जो है ये हिंदू संस्कृति की अद्भुत देन है, मेडिकल साइंस में तो इसका कोई महत्व ही नहीं है। जब हमारे नासक ये नाक से जो है वायु अंदर जाती है फेफड़ों में और हृदय में, वो प्राणों में कन्वर्ट होती है। हम कहते हैं ना प्राण निकल गए, हम ये नहीं कहते मर गए, प्राण निकल गए आदमी के लिए, वायु तो तब ही है, वायु तो वही की वही है, वायु में तो कोई कमी नहीं आई, जैसे आप हम वायु ले रहे हैं आदमी मर जाता है तब प्राण निकल गए, ये वायु प्राण नहीं है, ये वायु प्राणों में कन्वर्ट होती है जाके अंदर से। तो यहाँ जो वायु जाती है उसको प्राण वायु कहते हैं, इसका संबंध हृदय और फेफड़ों से है, प्राण वायु ये हृदय से लेकर कंठ तक ऊपर की ओर जाती है, प्राण वायु बहुत इंपॉर्टेंट वायु है, क्योंकि बेसिक वायु यही है, क्योंकि ऑक्सीजन पहले सबसे पहले किसमें आती है, लंग्स आती है और फिर हृदय, तो लंग्स क्या करते हैं शुद्धि करते हैं, खून की शुद्धि करता है, लंग्स का काम है, और वो लंग वो खून शुद्ध होकर हृदय में जाता है और ब्लड सर्कुलेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वायु है प्राण वायु। तो जो हम किसी इस मुद्रा के नाम प्राण वायु के नाम से ये मुद्रा बनाएंगे प्राण मुद्रा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा, और उस मुद्रा को हर आदमी कर सकेगा, मैं बाद में बनाऊंगा उसको, अभी सिर्फ मैं करता हूं, इसके नाम से प्राण मुद्रा बनती है। फिर कंठ से लेकर सिर के चक्कर तक वायु जो है कंठ से लेकर सिर की जोड़ी तक हो जाती है, उसको कहते हैं उदान वायु। राम वायु मैंने बताई थी हृदय और लंग के साथ, और कौन सा चक्कर उसके हैं अनाहत चक्कर, वो साथ में जुड़ा हुआ है, और हमारे रीढ़ में एंडोक्राइन ग्लैंड है सात, हार्मोनल ग्लैंड है, तो हृदय के पीछे थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्लैंड है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का राजा है, सरताज है,
तो उस ग्रंथि को ये प्राण, ये हृदय लंग्स और प्राण वायु ये है प्रभावित करती है। फिर जो उदान वायु मैंने कहा कंठ से लेकर सिर तक जो है इसमें तीन चक्कर आते हैं, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र सिर के ऊपर है। और जितने भी ऑर्गन हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमारे कान हैं, आंखें हैं और बोलने की शक्ति है, तारा ग्रंथि है, मस्तिष्क है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड माथे के 2-2.5 इंच अंदर है, ये हमारे ब्रेन का कंट्रोलर है, शीर पर इसके बगैर कोई शीर का कोई, यही मैसेज यहाँ जाते हैं, यहीं से मैसेज वापस आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। मास्टर ग्रंथि है ये शरीर की, इसीलिए हम इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, योग के अंदर से है, अध्यात्म के अंदर से है। तो ये भी उदान वायु के साथ संबंध है। फिर ऊपर पीनियल ग्रंथि है, 2 वायु होंगी। तीसरी वायु है अपान वायु। अपान वायु ये भी ऊपर जाती है, उदान वायु भी ऊपर जाती है। उदान वायु का एक और काम है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम जब पुनर्जन्म लेते हैं तो अपने पूरे संस्कारों के साथ, इस जन्म के संस्कारों के साथ, कर्मों के साथ, यही वायु हमें माँ के घर में लेकर जाती है। उदान वायु, उदान वायु का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उदान वायु के द्वारा ही हम अपने संस्कारों के साथ, कर्मों के साथ दूसरे जन्म में प्रवेश, माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि बड़े बड़े जो अच्छे योगी होते हैं वो अपने शरीर से निकलकर बाहर निकल जाते हैं, शरीर पड़ा जाता है, घूम आते हैं। साईं बाबा का आपने कई बार सुना होगा, वो उदान वायु के थ्रू ही करते हैं विषय हैं। उनकी इतनी सिद्धि हो जाती है उदान वायु के ऊपर कि वो अपना शरीर छोड़कर घूम आते हैं, फिर वापस शरीर में आ जाते हैं। ये उदान वायु का चमत्कार है। तीसरी वायु में कह रहा था अपान वायु। अपान वायु जो है नाभि से नीचे पैरों तक नीचे की ओर जाती है, नीचे की ओर जाती है। हमारे शरीर में जो भी चीज हमने बाहर निकालनी है उसका संबंध अपान वायु से है। पसीना निकलता है, लैट्रिन करते हैं, पेशाब होता है, यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी बाहर ही निकालना है, उसका संबंध, सबका संबंध अपान वायु से। जब अपान वायु कमजोर हो जाती है तो फिर ये सारे रोग भी हो जाते हैं। लैट्रिन ठीक से नहीं आती, पेशाब ठीक से नहीं आता, लेबर पेंस नहीं ठीक से होती हैं। थोड़ा सा बस लॉजिकली बात समझ लेंगे बहुत इजी बात आ जाती है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, नाभि से नीचे पैरों तक, और नाभि से नीचे पैरों तक जितने भी अंग हैं वो कंट्रोल करते हैं अपान, अपान वायु उसको कंट्रोल करती है। जब अपान वायु वीक हो जाती है, कुपित हो जाती है, तब इनमें रोग भी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब चौथी वायु है वो है नाभि से लेकर हृदय तक, इसको कहते हैं समान वायु। ये भी ऊपर की ओर जाती है, समान वायु, इसका संबंध जो है पाचन तंत्र से है। अपान वायु जो है उसका संबंध जो है स्वादिष्ठान चक्र से और मूलाधार चक्र से, वो 2 चक्र है उसमें जो है, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, और इसका संबंध है मणिपुर चक्र से। और ये अपान और प्राण, प्राण वायु को जोड़ने का काम करती है समान वायु, क्योंकि जब तक अपान और समान, प्राण और अपान मिलकर काम नहीं करेंगे हमारा शरीर का कोई काम नहीं हो सकता है। प्राण और अपान को मिलकर काम करना पड़ता है, क्योंकि प्राण हमें, प्राण वायु हमें शक्ति देती है और अपान वायु हमें गंदगी शरीर की, जो भी शक्ति हमारे शरीर की है उसका जब यूज होता है तो वेस्ट बनता है। आप बिजली यूज करते हैं ना, क्या होता है इससे, कार्बन पैदा होती है, एयर कंडीशन चलता है, बाहर गर्म हवा चलती है, गाड़ियां चलती हैं, प्रदूषण होता है। जो भी एनर्जी हम यूज करते हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। अब 5 प्रकार की एनर्जी हमारे अंदर है, यूज हम कर रहे हैं, तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का काम अपान वायु का। अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे तो प्राण वायु क्या करेगी, शक्ति तो दे रही है लेकिन गंदगी नहीं निकल रही है। दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, प्राण और अपान को, और अगर ये दोनों मिलकर काम नहीं करते हैं तो हमारा सारा शरीर बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसका उल्लेख किया हुआ है, 4th अध्याय में 29वें श्लोक में,
कि जब तक प्राण वायु का अपान वायु में हवन नहीं होता है और अपान वायु का प्राण वायु में हवन नहीं होता है, हम जो है हमारी गति नहीं है। और ये चारों वायु मिलकर जो है एक और वायु बनाते हैं, क्योंकि इनका तो क्या एरिया होगा आपस में बंट लिया, मैंने बता दिया उदान वायु का कर्ण से लेकर हृदय तक, प्राण वायु का हृदय से लेकर कर्ण तक, अपान वायु का नाभि से नीचे, मान वायु का यहाँ अपना अपना एरिया है, लेकिन ये चारों मिलकर एक वायु बनाते हैं जिसको कहते हैं व्यान वायु। और वो वायु पैरों से लेकर ऊपर नीचे चलती रहती है, सारे शरीर में चलती है। सारे शरीर में कौन सी चीज चलती है? रक्त भ्रमण होता है। उस वायु का संबंध ब्लड सर्कुलेशन से है। उस वायु का संबंध किससे है? ब्लड, व्यान वायु का संबंध। इन पांच प्रकार की वायु के हमने पांच प्राणिक मुद्रा बनाते हैं। एक है प्राण मुद्रा, दूसरी है अपान मुद्रा, तीसरी है ये अपान अपान प्राण व्यान समान और उदान। पांच प्रकार की मुद्राएं बनती हैं जो बहुत ही पावरफुल मुद्राएं हैं। तत्त्व मुद्राएं जो बताई थी आठ जो हैं उनसे मच मोर पावरफुल। क्यों? वो अकेले अकेले की, इसमें क्या किया, दो एक और एक मिलकर जो बनते हैं तो ग्यारह हो जाते हैं, उनकी शक्ति बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये पांचों जो प्राणक मुद्राएं हैं, अगर ये मुद्राएं करनी आ जाए तो हमारे शरीर के अंदर तकरीबन सारे के सारे रोग खत्म हो जाएंगे, कोई रोग शरीर में नहीं रहते। आठ तत्व मुद्राएं, पांच प्राण मुद्राएं, तेरह मुद्राएं हो गई। अगर तेरह मुद्राएं आपने सीख ली तो 90-95% रोग जो है शरीर से दूर हो जाते हैं। आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है, हृदय हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, इसी तरह से हम भी जो हैं इन तत्वों के प्रयोग से कुछ स्पेशलाइज मुद्राएं बनाते हैं। हृदय मुद्रा है एक जो है, साइनस की मुद्रा है, कमर दर्द बहुत फैल गई है कमर दर्द की मुद्रा है, स्पेसिफिक मुद्राएं हैं, उनका संबंध इन्हीं रोगों से है, शुरू से है। इसी तरह अस्थमा मुद्रा है, स्पेशलाइज मुद्राएं हम बनाते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा है हृदय मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। वो क्या है, हमने ये तत्व मुद्रा बनाई थी आज, प्लीज हमने आठ तत्व मुद्रा बनाई थी, अब पांच प्राणिक मुद्रा बनाई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, प्राणिक एक प्राणिक मुद्रा और एक तत्व मुद्रा को जोड़कर मुद्राएं बनाने जा रहे हैं। कहीं दूर भी है, ज्यादातर एक प्राणिक मुद्रा और एक तत्व मुद्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा बनती है उसमें जो है हम बनाते हैं, एक वायु मुद्रा बनती है और एक बीच वाली दोनों से मुद्रा बनती है, इन दोनों को जोड़कर मुद्रा बनती है हृदय मुद्रा, जिसको हम कहते हैं मृत संजीवनी मुद्रा, और जो आजकल के जमाने के लिए रामबाण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि आठ तत्व मुद्राएं बनती है। अब एक एक मुद्रा को हम देखते हैं क्या करती है एक एक मुद्रा से। पहले हम क्या करते हैं, अंगूठा है अग्नि तत्व, अंगूठे के साथ वाली उंगली क्या है, वायु, इनको मिलाकर बनती बनती है ज्ञान मुद्रा। मुद्रा विज्ञान की आत्मा है ये ज्ञान मुद्रा, मुद्रा विज्ञान की, तत्व विज्ञान की आत्मा है, मुद्रा विज्ञान की आत्मा है ज्ञान मुद्रा। आपने देखा होगा जो लोग योग की क्लास में जाते हैं या ऋषि मुनि को भी देखा होगा, ज्ञान मुद्रा में बैठे रहते हैं हमेशा से। भगवान कृष्ण ने भी गीता का प्रवचन दिया तो ज्ञान मुद्रा में, भगवान बुद्ध बैठे रहते हैं ज्ञान मुद्रा में, भगवान महावीर लाल महावीर ज्ञान मुद्रा में, यहाँ तक कि ईसाई की जीसस क्राइस्ट की भी जो है एक मूर्ति रोम में बनी हुई है ज्ञान मुद्रा में। सारे साधु संत जो हैं ऋषि मुनि सब जो हैं ज्ञान मुद्रा में बैठे रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, किससे बनती है, तर्जनी उंगली और अंगूठे के अग्र भागों को मिलाने से ज्ञान मुद्रा बनती है। क्या हो रहा है इससे जो है, अग्नि और वायु का मिलन हो रहा है, अग्नि और वायु का मिलन हो रहा है। अब अग्नि हो आपके पास, मोमबत्ती जलाई उसके ऊपर ग्लास अगर रख देंगे
तो कोई कहेंगे उसमें वायु नहीं है तो वो काम नहीं करते। एक चीज थोड़ी सी बीच में और कहना चाहता हूं, ये अंगूठा जो है ये हमारी बुद्धि अग्नि तत्व बुद्धि का भी प्रतीक है। अग्नि तत्व जो है बुद्धि का प्रतीक है, ये अंगूठा बुद्धि का प्रतीक है। और ये उंगली जो है गर्दनी उंगली ये मन की प्रतीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए नोट कर लीजिए, अंगूठा बुद्धि और गर्दनी उंगली मन, अंगूठा परमात्मा और ये जीवात्मा। हिंदू संस्कृति तो यही मानती है ना, परमात्मा और जीवात्मा को मिले, इसीलिए ज्ञान मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण, ये मेडिटेशन की मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। आत्मा और परमात्मा का मिलन कराती है, मन और बुद्धि का मिलन कराती है। मन और बुद्धि का जब मिलन होता है तो क्या होता है, मन और बुद्धि क्या है, 36 का आंकड़ा है, आपस में मिलकर काम करते ही नहीं है, बुद्धि कुछ कहती है मन कुछ कहता है, और इसी वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा के, मानसिक तनाव बना रहता है, टू बी और नॉट टू बी, करें या ना करें, अफड़ा दबी में रहते हैं, समझ ही नहीं आती क्या करें क्या ना करें, क्योंकि 36 का आंकड़ा है मन और बुद्धि का। और ये क्या करती है, ये मन और बुद्धि को 63 बना देती है, आपस में जोड़ देती है। तो जब मन और बुद्धि मिलकर काम करते हैं तो क्या होगा, एकाग्रता बढ़ती है, कंसेंट्रेशन बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, मन शांत होता है, मानसिक तनाव नहीं होता है। इसीलिए ये मेडिटेशन की मुद्रा है, मानसिक तनाव, मन शांत। मेडिटेशन करते वक्त मन की शांति चाहिए, नहीं तो मेडिटेशन नहीं हो सकती। मानसिक तनाव जब मान, आजकल जो रोग है, प्लीज अपने स्विच ऑफ कर दीजिए जो है मोबाइल जो है, उच्च रक्तचाप निम्न रक्तचाप दोनों ही रोग किस चीज के हैं, मानसिक तनाव का रोग। तो ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा उच्च रक्तचाप को और निम्न रक्तचाप को दोनों को लाभ पहुंचाती है। उच्च रक्त मानसिक तनाव की वजह से नींद नहीं आती, नींद के लिए ये मुद्रा रामबाण मुद्रा है, नींद के लिए। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, उच्च रक्तचाप को दूर करने के लिए, मानसिक तनाव के कारण सिर दर्द होता है, सिर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत लाभकारी मुद्रा। और ये मुद्रा गुरु की पूजा के समान है, गुरु पूजा, बृहस्पति की पूजा, ये है ज्ञान मुद्रा। बनने से मेमोरी शार्प होती है, कंसर्न, इसीलिए मंद बुद्धि बच्चे भी उनकी मेमोरी बड़ी शार्प होनी शुरू होती है। अगर बच्चों को ये मुद्रा आप बनाना सिखा दें तो बच्चे हमेशा जो है 95% से ऊपर नंबर लेकर आएंगे, उनका मन उनकी बुद्धि कमजोर नहीं होगी, ठीक डायरेक्शन में काम करेगी, ध्यान से काम करेगी, कंसेंट्रेशन से, और वो सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। अगर आप ज्ञान मुद्रा, सफलता की कुंजी है ये ज्ञान मुद्रा, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मन और बुद्धि के समन्वय से ही हो सकते हैं, और ये मुद्रा वही काम करती है। मन कितना ही मंद बुद्धि बच्चा क्यों ना हो, आप ज्ञान मुद्रा करवाना शुरू कर दीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माताएं ये मुद्रा करें तो उनका बच्चा बड़ा शार्प बुद्धि वाला होगा, पैदा होने से ही जो है वो शार्प बुद्धि वाला होगा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये मुद्रा करते हैं। हम भी रोज करें तो हमें मानसिक तनाव नहीं होगा। इसमें क्या है, अंगूठे में पिट्यूटरी ग्लैंड का दबाव है, ये दबता शुरू हो जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो आगे चक्कर है, जो हमारा कंट्रोलर है, वो जागृत हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और इसी ग्लैंड के आर्डर से बाकी सारे ग्लैंड, बाकी सारा शरीर काम करता है। जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं उनका मन लगता नहीं कहीं जाए, ये हाँ गैर वहां गैर, ये बहुत उन्हें एनर्जी बहुत होती है लेकिन मिसडायरेक्टेड एनर्जी होती है, वो कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकते,
ज्ञान मुद्रा उनके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि उनका कंसेंट्रेशन लेवल बढ़ा देती है बुद्धि। वही बुद्धि जो उनके पास बहुत ज्यादा डिसिपेट हो रही है, उसका जो है वो बहुत विद्वान इंजीनियर बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ने शुरू हो जाएगी। स्नायु तंत्र, डिप्रेशन, हम नींद की गोलियां खाते हैं, ये मुद्रा नींद की गोलियों का काम करती है। इंट्यूशन हमारी बढ़ती है, इससे जो है हमारे अंदर जो बुरी आदतें होती हैं वो भी क्यों होती हैं, क्योंकि मन और बुद्धि साथ में हम अंदर से जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करते रहते हैं, मन मानता नहीं है। भोजन करते वक्त भी हम यही करते हैं, हमें पता है ये जंक फूड खाना ठीक नहीं है, हम बीमार हो गए, फिर भी हम खाते हैं। ये मुद्रा जो है मोटापे को भी कम करती है, क्योंकि आपके जब मन के ऊपर नियंत्रण होगा तो आपके भोजन के ऊपर भी नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। इस किताब में लिखा नहीं हुआ लेकिन नोट कर लीजिए, मोटापे को भी कम करती है, क्योंकि मन के ऊपर आपका नियंत्रण हो गया, आलस से दूर करती है। अब आगे चलते हैं, हम जो है इसकी विपरीत मुद्रा क्या है, इसकी विपरीत मुद्रा इस उंगली को मोड़कर अंगूठे से हल्का सा दबा देना है। मोड़कर क्या करना है, इस अंगूठे के अगर भाग को यहाँ बेस पर लगाना है, अंगूठे लगा तो अच्छा है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, अभ्यास से ये लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया कि हमने अगर वायु बढ़ी हुई है हमारे शरीर के अंदर, उसको हम कम कर रहे हैं वायु मुद्रा से। वायु का संबंध, वायु बड़ी होने से मैंने कौन से रोग बताए थे, वात रोग, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, ये सारे दर्द इस मुद्रा से ठीक होते हैं। पैरालिसिस हो जाता है, पोलियो हो जाता है, हाथ कांपते हैं, सारे रोग इस मुद्रा से दूर होते हैं। अकेली वायु मुद्रा से आपके अनेकों वात रोग दूर होते हैं, गजब की मुद्रा है। हृदय की पीड़ा होती है, एंजाइना होती है, ये मुद्रा बना लीजिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे वो एंजाइना ठीक होने के लिए, नॉट मोर देन 2 मिनट, ये मेरी गारंटी है किसी दवाई के बिना। हाइपर एसिडिटी होती है, जलन होती है, आधी रात के वक्त जलन होती है, हमें समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, हृदय की पीड़ा हो रही है, क्योंकि यही तुम जो हो रही है कि हृदय, ये हृदय अटैक नहीं हो, हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, यही मुद्रा दोनों में काम करेगी, हाइपर एसिडिटी में भी और हार्ट अटैक में भी, एंजाइना में भी। वायु मुद्रा छोटी छोटी मुद्रा, काम कुछ भी नहीं है, बस मुद्रा को मोड़ लेना है। और इन मुद्रा को क्या कहिए, मुद्रा ज्यादातर मुद्राएं जो है ना, तत्त्व मुद्राएं और प्राणिक मुद्राएं, हमने 45 मिनट कम से कम रोज करनी है। और 45 मिनट आप लगातार नहीं कर सकते, आप बड़ा मुश्किल है, तो इसको टुकड़ों में भी कर सकते हैं, 10-10, 15-15 मिनट करके दिन में 4-5 बार भी कर सकते हैं, आधा आधा घंटा करके दिन में 2 बार भी, 45 मिनट में तत्त्व परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो ज्यादातर मुद्राएं मिनिमम 45 मिनट में करें, तब इनका लाभ मिलना शुरू होता है। क्रॉनिक डिजीज में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर एक्यूट डिजीज है तो विद इन ए मिनट, जैसे ये वायु मुद्रा है, एंजाइना छाती में पेन हुई, वार्निंग है हार्ट अटैक की या एसिडिटी की, बस ये मुद्रा 2 मिनट में ठीक कर देगी आपको, 2 मिनट सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। इस वजह जोड़ों के दर्द, वो भी वात रोग है, मांसपेशियों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, सब रोगों में ये मुद्रा बहुत लाभकारी है। गैस मैंने बताया था, हाइपर एसिडिटी होती है तभी भी लाभ करती है। रक्त संचार इस मुद्रा से ठीक होता है। क्या होता है रक्त संचार, क्यों विघ्न पड़ता है, हम कहते हैं ब्लॉकेज हो गई है हार्ट के अंदर, आर्टरी के अंदर। ब्लॉकेज क्या है, ब्लॉकेज मीन्स कि वहां वायु फंस गई है, जहां भी दर्द होता है मतलब वहां वायु फंसी हुई है। वायु फंसने क्या है, नस नाड़ियां संकरी होती हैं और ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो रहा है, और ऑक्सीजन रक्त के द्वारा जाती है, रक्त का संचार नहीं हो रहा है, तो ये रक्त संचार को ठीक करती है मुद्रा, वायु मुद्रा से। वायु मुद्रा हमारे शरीर के रक्त संचार को ठीक करती है।
रक्त संचार से होने वाले सारे रोग ये मुद्रा ठीक करती है। पेल्पिटेशन आपको हो गया, बढ़ गया हृदय की धड़कन बढ़ गई, तभी ये मुद्रा ठीक करेगी। पैरालिसिस तक हो जाए, अगर उसी दिन से इमीडिएटली पहले मुद्रा लगवा रहे तो 24 घंटे के अंदर वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बिना किसी दवाई के। जो होते ही मुद्रा लगवा दीजिए दोनों हाथों से, नहीं तो टेप लगा दीजिए, वो आदमी तो मुद्रा कर नहीं सकता, टेप लगा दीजिए उसके ऊपर से। जो लोग मुद्रा नहीं कर सकते उनको मुद्रा बनाकर टेप लगवा दीजिए, चाहे वो जुड़ने वाली है चाहे मोड़ने वाली है, उसका पैरालिसिस 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगा। और अगर पुराना है तो लगातार अभ्यास करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। पुराने से पुराने वायु रोग भी इस मुद्रा से, वायु मुद्रा से ठीक होते हैं बिना किसी दवाई के, बिना पैसा खर्च हुए। नंबनेस आती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। क्यों होते हैं सुन्न? रक्त संचार नहीं, गैंग्रीन हो रही है, अक्सर गैंग्रीन हो जाती है मधुमेह रोगियों को, जो है पैर काटना पड़ता है, इसीलिए मधुमेह रोगियों को पैरों की नंबनेस हो जाती है बहुत ज्यादा। सबसे पैसे के डायबिटीज रोग कहते हैं अपने पैरों का ध्यान रखो भाई, पैरों में नंबनेस नहीं हो रही। वायु मुद्रा बहुत अच्छा काम करेगी उसमें, जहां भी नंबनेस है शरीर में वायु मुद्रा काम करेगी। अब बढ़ते हैं दूसरे तत्व की ओर। कौन सा तत्व है? ये मिडिल फिंगर, मध्य में उंगली, आकाश तत्व। आकाश तत्व जब इसको जोड़ देते हैं मध्यमा को और अंगूठे के अग्रभाग को जोड़ देते हैं तो ये बनती है आकाश मुद्रा। अगर आकाश तत्व की कमी है शरीर के अंदर तो ये उसको ऊपर उठाती है आकाश तत्व को। और आजकल हमारा सबका आकाश तत्व कम हो रहा है। क्यों? कहां से प्राप्ति होती है आकाश तत्व? आकाश क्या है? खुलापन। अब जहां आकाश को बाहर देखते हो चारों तरफ से अनंत दिखता है, हम कमरे के अंदर सिमट गए हैं, सोना भी अंदर है, दरवाजे खिड़कियां भी बंद हो गए हैं, सब जो है कारों में जाते हैं ऑफिस में बंद हो गए हैं, बाहर घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो गया, आकाश तत्व की कमी हो गई। और इसी के कारण हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, संकीर्ण होते जा रहे हैं, हमारे विचार संकुचित होने शुरू हो गए हैं, हमेशा लड़ने पर आमादा रहते हैं एक दूसरे से, जो है घमंड बहुत आ गया है आकाश तत्व की कमी से, जो है अहंकार बढ़ गया हमारा, जो है सब आकाश तत्व की कमी से, जो है मूर्खता वाली बातें करते हैं आकाश तत्व की कमी से, जो है। तो ये आकाश तत्व जो है आपके विचारों को, इसका संबंध विचारों से भी है, विचारों को उदार बनाता है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जुड़ा हुआ है आकाश तत्व। पॉजिटिव ये मुद्रा बनाने से आपके अंदर विचार जो है पॉजिटिव होने शुरू हो, नेगेटिव विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं इस मुद्रा के करने से। कानों के रोग ठीक होते, मैंने बताया था, कानों में बहरापन आ जाए, कान बहते हो, कानों में साए साए की आवाज आती हो, कानों में वैक्स जम गई हो, कोई भी कान का रोग हो आकाश मुद्रा से ठीक होता है। कानों का कोई भी रोग हो तो सबसे पहले आकाश मुद्रा बनाएं। अगर एक्यूट डिजीज है तो 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगा। अब करके देखिए, आपको गजब का मिलेगा, आपका आत्मविश्वास भी इतना बढ़ जाएगा आपका, जो है। और अगर क्रॉनिक डिजीज है तो आप ये मुद्रा बनानी शुरू कर दीजिए, 1-3 महीने बाद हियरिंग एड भी छूट सकती है बुढ़ापे में, जिनको लगे हुए हियरिंग एड, आप कह रहे थे इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। अरे अगर 1 महीने में इससे लाभ नहीं मिलते हैं तो फिर इसके विपरीत मुद्रा शून्य को के आकाश तत्व, मैंने कहा था अनंत है, उसके बाद मैं करूंगा। अभी ये है कि सारे कानों के रोग इससे ठीक होते हैं। जबड़े थायराइड ग्रंथि में मैंने कहा था थायराइड के रोग ठीक होते हैं, गले के रोग ठीक होते हैं। आपका गला खराब हो जाए इमीडिएटली कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, आकाश मुद्रा बना दीजिए। अभी पमनानी साहब का जो है कल रात को गला खराब हो गया, आइसक्रीम मेरे साथ इन्होंने वो कुल्फी उल्फी खा ली और सुबह गला जाम, आकाश मुद्रा करने थे 2 मिनट में ठीक हो गए, 5 मिनट लगे। गजब करोगे तो पाओगे, विश्वास करना पड़ेगा आपको, निष्ठा बनानी पड़ेगी।
गला खराब होते ही आकाश मुद्रा बना लीजिए, बस आपको गला ठीक हो जाएगा बिना पढ़ाई के। ज्यादा देर नहीं लगेगी सब करने के लिए। डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है, जो रिटार्डेड चिल्ड्रन है फिजिकली मेंटल, उनके लिए गजब की मुद्रा है ये। क्योंकि क्या है, आकाश तत्व की कमी है, निरर्थक है, मीनिंगलेस, समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं होता है, बेवकूफों जैसी बातें करते हैं। सिर्फ चिल्ड्रन इतने बड़े लोग भी जब ये करें तो आकाश मुद्रा बनवा दीजिए, टेप लगा दीजिए। अब रिटार्डेड चिल्ड्रन मुद्रा तो वो बनाएगा नहीं, टेप लगा दीजिए उसके ऊपर से। ये एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं पर रिटार्डेड बच्चों के ऊपर। और अगर आकाश मुद्रा के साथ आप जलंधर बंद लगा दें, क्योंकि आकाश का संबंध जो है विशुद्धि चक्र से है, ये आप अगर जलंधर बंद लगा दें थोड़े गले को मोड़कर छोटे कण के जगह सर्वाइकल वाले नहीं करेंगे जो है, तो आपका ये थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि इनकी सीक्रेशन ठीक हो, थायराइड के रोग दूर होते हैं इस मुद्रा से भी और जलंधर बंद लगाने से भी। हाइपोथायराइडिज्म भी, हाइपरथायराइडिज्म बहुत रोग हो रहे हैं आजकल। हाइपोथायराइडिज्म से मोटापा बढ़ता है, हाइपर से जितना भी खाता रहे भेड़िए की तरह भी खाता रहे तो पतले के पतले रहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म ज्यादातर पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं 90% केसेस, और जितने हाइपोथायराइडिज्म उसमें 90% महिलाएं होती हैं। 90% थायराइड के लोग महिलाओं के होते हैं, 10% सिर्फ आदमी के होते हैं। आकाश तत्व की कमी है बहुत, सास बहू में लड़ाई होती रहती है, आकाश मुद्रा बना दीजिए, दोनों को आकाश मुद्रा बनवा दीजिए, सास बहू की लड़ाई बंद हो जाएगी। लो बीपी के लिए भी बहुत अच्छी मुद्रा है ये जो है। लोनलीनेस फील करते हैं बुढ़ापे में जाकर, अकेलापन जो है, उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उनको भी रिलीव करती है आकाश मुद्रा के। कई बार क्या होता है, जबड़ा हमारा फंस जाता है, खुला का खुला ही रह जाता है, लॉक जा जिसको कहते हैं, फिर चुटकी भी जाते हैं ना उसको खोलने के लिए। ये चुटकी क्या है, आकाश मुद्रा ही बना रहे हैं। आकाश मुद्रा से जबड़े की जकड़न खत्म हो जाती है इमीडिएटली। इसकी विपरीत मुद्रा, इसकी विपरीत मुद्रा कौन सी है, मध्यम उंगली को मोड़कर अंगूठे से हल्का सा दबा दिया, शून्य मुद्रा, शून्य मुद्रा। इससे भी नमनस खत्म होती है, मैंने पहले कह रहा वायु मुद्रा और अब शून्य मुद्रा, इससे भी नमनस खत्म होती है। विपरीत आकाश फैलाव है, शून्य जीरो है, तो इसकी विपरीत मुद्रा का नाम शून्य मुद्रा। कानों के दर्द के लिए ये लाजवाब है, एक मिनट या दो मिनट में कानों का दर्द खत्म हो जाता है। फिर मैं कोट कर रहा हूँ कमरानी साहब का जो है, पोता या पोती, पोती जयपुर में रहते हैं, जयपुर में यही जयपुर में, जयपुर गई हुई थी और वहाँ ये है कान दर्द जो हो रही थी और ठीक नहीं, वहाँ ENT स्पेशलिस्ट को दिखा दिया था, उन्होंने कहा ठीक ही नहीं हो रही, उन्होंने कहा यहाँ भेज दो यहाँ दिखा देते हैं। इन्होंने ENT टॉप क्लास ENT स्पेशलिस्ट क्लास अपॉइंटमेंट की हुई थी, लेकिन जब आई तो कहा पहले इसको मुद्रा बना दो बेटे को, वो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही कान दर्द ठीक हो गया था। गजब की मुद्रा है कान, और ये कान दर्द अक्सर बच्चों में बहुत होता है, आधी रात को होता है, कहां भागो उस वक्त जो है कान दर्द। शून्य मुद्रा, ये मुद्रा आपकी मुद्राएं बचाएगी, सोने की मुद्राओं की बचत करेगी आपकी, यह मुद्रा बनाने से जो है लाखों रुपए का जिंदगी भर में आपको बचत हो जाएगी। इस मुद्रा कष्ट तो बचेगा ही बचेगा, लाखों रुपए की बचत भी साथ में होगी अगर आप मुद्राएं बनाने सीखे, मुद्रा बनाने सीखे तो। इसमें लाभ होता है बहरेपन भी, मैंने बताया था दोनों कानों के रोगों में दोनों मुद्रा, लेकिन ईयर एक में सिर्फ यही शून्य मुद्रा काम करेगी। और ये भी बताया था कानों के रोगों में ईयर एक को छोड़कर, ईयर एक पे इससे ठीक हो जाएगी, बाकी सभी रोगों में पहले आकाश मुद्रा का प्रयोग करें। पुराना क्रॉनिक केस हो एक महीना एक घंटा रोज, और अगर इससे ठीक नहीं होते तो फिर शून्य मुद्रा का प्रयोग करें। खुली हवा में रहने से, सैर करने से, खुली हवा में सोने से आकाश तत्व बढ़ता है, इसलिए अपना लोगों से मेलजोल बढ़ाइए, लोगों से मेलजोल, खुली हवा में रहना सीखिए, ठीक है।
आपका मेलजोल बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, तो आकाश ये आपको बहुत फायदा होगा। शून्य मुद्रा से यह है, कभी बाई चांस जो है आपके भोजन कर रहे हैं, आपके अन्न नली में भोजन चला जाए, दोनों मुद्राएं काम करेंगी, आकाश मुद्रा भी और शून्य मुद्रा भी। बड़ी खतरनाक स्थिति होती है ये, जो है बहुत डेंजरस स्थिति होती है, एक मिनट के अंदर मृत्यु हो जाती है। इससे जो है भोजन, अगर भोजन का कोई अन्न टुकड़ा सांस नली में चला जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। आकाश मुद्रा करें या शून्य मुद्रा, दोनों से पैदा होगा इसमें जो है। और अगर ब्राह्मी प्राणायाम के साथ शून्य मुद्रा करें तो बहुत लाभ होगा आपको, जो है कानों के लोगों ने किया है ब्राह्मी प्राणायाम, जिसको नहीं आता है वो किसी योग शिक्षक। आप जो है ये मुद्राएं जो कर रहे हैं, मुद्राएं सब्स्टिट्यूट नहीं है आपका योगा का, जो है दे आर इंस्टेंट योगा, नो डाउट। ये रोग हो जाने पर कुछ रुक नहीं रहते हैं, लेकिन योग और प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अभ्यास आदत डाल दीजिए, अगर आप योग और प्राणायाम रोज करना शुरू कर देंगे तो बीमार आपको मुद्राएं, वही 2000 मुद्राएं करनी पड़ेंगी जो स्वास्थ्यवर्धक हैं, रोग तो होंगे ही नहीं। क्योंकि शरीर में लचक लाने के लिए जो काम प्राणायाम और आसन करते हैं वो कोई व्यायाम नहीं कर सकता है, कोई और पद्धति, कोई मेडिसिन नहीं कर सकती है। ब्राह्मी प्राणायाम के साथ शून्य मुद्रा करें तो बहुत जबरदस्त लाभ होता है। हवाई यात्रा में कानों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, शून्य मुद्रा बनाकर बैठेंगे तो कानों के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब जो है यहाँ थोड़ा सा ब्रेक देते हैं कि चलते रहे, करते रहे, करते रहे, चलिए करते रहे, फिर बाद में देखते हैं। पृथ्वी मुद्रा कौन सा है आप, पृथ्वी तत्व कौन सी उंगली है, अनामी का उंगली। अनामी का उंगली पृथ्वी तत्व की प्रतीक है। अनामी का उंगली के अगर बात को अंगूठे के अगर बात के साथ टच करेंगे तो ये बनेगी पृथ्वी मुद्रा। मैंने क्या कहा था, पृथ्वी से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है, भोजन से ही हमें शक्ति मिलती है, भोजन से ही हमारे शरीर में विटामिन मिनरल या डेफिशिएंसी दूर होती है। तो इस मुद्रा से भोजन की कमी से जो रोग होते हैं, एनीमिया होता है भोजन की कमी से, वीकनेस होती है, वीकनेस खत्म होगी शरीर की, अनीमिया, होमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो पृथ्वी मुद्रा करें। होमोग्लोबिन आजकल बहुत कम होना शुरू हो गया, लोगों का 5-6 भी हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान आजकल लड़कियां पहले खाना बिल्कुल खाती नहीं है, पहले वीक होती हैं, जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, होमोग्लोबिन बहुत लो है, बेड रेस्ट की सलाह दे देते हैं, महीनों बेड रेस्ट की। पृथ्वी मुद्रा करा दीजिए, 15 दिन में उनका होमोग्लोबिन लेवल ठीक हो जाएगा बिल्कुल, जो है होमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने के लिए पृथ्वी मुद्रा करें। एनीमिया के लिए पृथ्वी मुद्रा करें, इसमें आयरन भी मिलता है, सारे मिनरल्स की प्राप्ति होती है, ठीक है, सारे विटामिन की प्राप्ति होती है, भूख अच्छी लगती, जिन बच्चों को भूख अच्छी नहीं लगती पृथ्वी मुद्रा करें, हाइट नहीं बढ़ती है पृथ्वी मुद्रा करें, कमजोरी है पृथ्वी मुद्रा करें, शरीर में स्फूर्ति नहीं है, आलस से बहुत है पृथ्वी मुद्रा करें, शक्ति नहीं है पृथ्वी मुद्रा करें, हड्डियां कमजोर हो, मांसपेशियां कमजोर हो पृथ्वी मुद्रा करें। तो क्या है, ये सौंदर्य वर्धक भी है, जब आपका शरीर कमजोर होता है तो क्या होता है, मोटापा होता है, तब भी कमजोर होता है तब भी सौंदर्य बिगड़ जाता है। महिलाओं से पूछो, मोटापे होते थोड़ा सा मोटापा होता है तो आफत आ जाती है, सौंदर्य खत्म हो जाता है, सारा सौंदर्य बिगड़ जाता है, सारा जो है, चाहे वो कितनी भी आपा को नहीं हो, वेट अगर मोटापा बढ़ गया तो मुसीबत हो गई। सौंदर्य वर्धक है मुद्रा जो है, इससे आंतरिक प्रसन्नता भी होती है, क्योंकि जब आपके अंदर स्फूर्ति आ जाती है तो आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, प्रसन्न रहता है मन, उससे जो है चिड़चिड़ापन दूर होता है। बच्चे, छोटे बच्चे बहुत इरिटेबल होते हैं कई बार, उन्हें ये मुद्रा बना दीजिए पृथ्वी मुद्रा, इरिटेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। पाचन शक्ति इससे ठीक होनी शुरू हो जाती है,
और पाचन शक्ति के ठीक होने से मन भी, मन की शक्ति भी बढ़ती है, मन भी कार्य क्षमता बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है हमारी, ये है। सर्दी जुकाम ठीक होता है क्योंकि हमारे अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं रही, मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं, तो सर्दी जुकाम से भी बचाती है। हर्निया के लिए बहुत लाभकारी है। हर्निया में क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तब हर्निया होता है। तो अंदर से बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है, वहां से जो है हर्निया। हर्निया के लिए पृथ्वी मुद्रा बहुत लाभकारी है। बाल गिरने झड़ने लगते हैं, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, ये सारे रोग क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारा भोजन ठीक नहीं है। हम हमें जो खाना चाहिए वो हम खाते नहीं है, जंक फूड खाते हैं ज्यादा जो है, या जंक फूड ना भी खाए, घरों में भी बच्चे आजकल हरी सब्जियां नहीं खाते हैं बिल्कुल जो है, एक ही सब्जी, कोई बच्चा आलू से वो खाता ही कुछ नहीं, और कहते माँ हरी सब्जियां तो खाते नहीं है, बच्चे फल भी नहीं खाते हैं, अब उनकी डेफिशिएंसी दूर होनी चाहिए। इससे बाल भी इसीलिए बाल गिरते क्यों है, डेफिशिएंसी की वजह से, तो बालों के रोग ठीक हो, आंखों के नीचे काले घेरे आने शुरू हो जाते हैं, पृथ्वी मुद्रा से ठीक होते हैं। सब जो भी रोग आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से आया है वो पृथ्वी मुद्रा से, चलिए इसके विपरीत मुद्रा जो है, इस उंगली को मोड़कर, अनामिका उंगली को मोड़कर अंगूठे से दबा दिया तो क्या मरी सूर्य बना, ये सूर्य बुरी मुद्रा, पृथ्वी नीचे सूर्य ऊपर, ये सूर्य मुद्रा है। इसके नाम से ही आप जान गए, ये शरीर में गर्मी पैदा करती है, पृथ्वी मुद्रा शरीर में गर्मी पैदा करती है विद इन 5 मिनट्स, कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, आप पृथ्वी मुद्रा बना लीजिए, सूर्य मुद्रा बना लीजिए, आप जो है आपकी सर्दी भाग जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी करता हूँ, पहले तो होम्योपैथिक मुद्रा विज्ञान तो मैंने बाद में सीखा है, जब से मुद्रा विज्ञान सीखा है मैं दवाइयाँ बहुत कम देता हूँ, आपके अक्सर मुद्राओं से लोगों को ठीक करता हूँ। एक लेडी मेरे पास, उसकी फैमिली हमेशा मेरे पास आते रहते दवाई थे, 2 साल पहले की बात है, बहुत गर्मी पड़ी थी दिल्ली में भी, सारे हिंदुस्तान में जो है, यहाँ भी टेम्परेचर जो है 50 तक पहुँच गया, दिल्ली में भी 46-47 तक पहुँच गया टेम्परेचर। जून के महीने में वो लेडी जो है कांप रही थी, बुखार नहीं था ये कुछ नहीं, लेकिन शरीर कांप रहा था, ठंड बहुत लग रही थी, पंखा नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, दिल्ली में तो घर बहुत छोटे छोटे हैं लोगों के पास जो है, वो कहते मुसीबत हो गई, घर वाले कहते पंखा चलाओ, वो कहते मैं पंखा बर्दाश्त नहीं कर पाती, घर वाले कहते 46 डिग्री टेम्परेचर हम क्या करें, वो मेरे पास आए डॉक्टर साहब क्या करूँ मैं तो बहुत परेशान हो गए, 15-20 दिन हो गए ये। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा ये मुद्रा बनाकर बैठ जा, 2-3 मिनट के अंदर उसके पसीने छूट गए, वो कहते क्या किया आपने, किया क्या ये जो है ये बताइए, बिना दवाई के मैंने सूर्य मुद्रा से पसीने छूट गए उसके जो है, पसीना लाने के लिए भी बहुत अच्छी मुद्रा है, शरीर के ये एक्सरसाइज का काम करती है ये मुद्रा, शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देती है, इसीलिए मोटापे को कम करती है, मोटापे को कम करने के लिए पृथ्वी मुद्रा 1 घंटा रोज करें, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए पृथ्वी मुद्रा करें, वजन कम करना है पृथ्वी मुद्रा करें, ये सूर्य मुद्रा करें, पृथ्वी तत्व है सूर्य मुद्रा करें, और अगर वज्रासन में बैठकर करें आप ये मुद्रा 1 दिन 1 घंटा लगातार, नहीं आधा आधा घंटा भी, तो 1 ही दिन में 250 ग्राम वजन कम हो जाएगा 1 ही दिन के अंदर सूर्य मुद्रा से, 1 दिन के अंदर, हफ्ता वाला आपने कर लिया तो 2 किलो वजन कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साथ में आप गुलाब जामुन खाते रहे और समोसे भी खाते रहे, वो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा साथ में, जो ध्यान आप नॉर्मली रखते हैं वो सब करना पड़ेगा आपको, हार्ट अटैक हार्ट हृदय रोग में डॉक्टर ने कहा है कि ये चीज नहीं है, वो सब करना पड़ेगा साथ में जो है, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा ना, नहीं आपको अपनी वो जो भी सावधानियां हैं वो बरतनी पड़ेगी आपको जो है। अब सर्दी जुकाम लगा हुआ है और आइसक्रीम खाओगे तो कोई किसी भी मुद्रा से क्या ठीक होगा, नहीं ठीक होगा मुझे, नहीं तो वो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा आपके भोजन के ऊपर भी, सबसे सब चीजों के ऊपर कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तभी मुद्रा का आपको जल्दी से लाभ मिलेगा। तो मोटापा बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डायबिटीज में बहुत अच्छी मुद्रा ये जो है। मधुमेह क्या होता है, मधुमेह में मेटाबॉलिज्म शरीर का नहीं ठीक से कम कर रहा है,
चयापचय क्रिया ठीक से काम नहीं कर रही है, कैलोरीज की बर्निंग नहीं हो रही है, यही है चयापचय किया गया कैलोरीज की बर्निंग। और कैलोरीज की बर्निंग कहाँ होती है? कोशिकाओं में होती है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, और एक एक कोशिका में मिनी भट्टी की तरह काम करती है, स्मॉल मिनी फर्नेस की तरह काम करती है, वहीं पर कैलोरीज की बर्निंग होती है। तो ये मुद्रा जो है कैलोरीज को बर्न करने में बहुत लाभकारी है, तभी मोटापा भी कम होता है, तभी मधुमेह में भी लाभ होता है साथ में। लिवर पाचन तंत्र को ठीक करती है ये मुद्रा जो है, लिवर के रोग दूर होते हैं, कब्ज दूर होती है, इसे पाचन तंत्र ठीक होता है तो कब्ज भी दूर होती है। सूर्य मुद्रा से मैंने बताया था अग्नि तत्व बढ़ता है, अग्नि तत्व बढ़ता है, तो अग्नि तत्व बढ़ने से क्या होगा, सारा सर्दी जुकाम खांसी जो सर्दी से बढ़ने वाले रोग हैं, अस्थमा भी सब ठीक होगा इससे, सूर्य मुद्रा से। बस आपने अपने लॉजिक अप्लाई करना भी, ये क्या किया हमने अग्नि बढ़ा दी है। अग्नि बढ़ाने से आप ठंड लगती है ना, हीटर के पास बैठ जाते हो, चाय पीते रहते हो, बारम्बार स्टीम करते रहते हो, ये सब करना पड़ता है, तो ये मुद्रा कर रही है, यही काम कर रही है मुद्रा से, सूर्य मुद्रा। फेफड़े में पानी भर जाता है उसमें भी मुद्रा काम आती है। सूर्य मुद्रा लगाने से 10 मिनट में ही हमारी सूर्य नाड़ी, ये दाई नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, हॉट नाड़ी है, ये चलनी शुरू हो जाती है। योग जो जानते हैं, योग करना जानते हैं, प्राणायाम करना जानते हैं, तो क्या कहते हैं, सर्दी जुकाम लगा हो, शरीर में ठंड लग रही हो तो क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो क्या करना है, सूर्य गति प्राणायाम करना है, मतलब सूर्य नाड़ी को चलाना है। तो ये मुद्रा सूर्य नाड़ी को चलाना शुरू कर देती है, सूर्य गति प्राणायाम का काम कर रही है सूर्य मुद्रा। हमारी दोनों नासिकाएं साथ साथ नहीं चलती हैं, लगभग एक डेढ़ घंटा एक नासिका चलती है फिर दूसरा चलती है, ऐसे सिस्टम है, दोनों कट्ठी नहीं चलती, दोनों कट्ठी चलती है दिन में दो बार तरफ, एक ब्रह्म मुहूर्त में और एक संध्या काल में, इसी और उसमें सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, मेडिटेशन ध्यान लगता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल का बहुत महत्व है भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, कि दोनों नाड़ियां सम चलती हैं, सुषुम्ना नाड़ी अपने आप ही चलने लगती हैं, तो साधना करनी मेडिटेशन करनी बड़ी आसान हो जाती है उस वक्त, क्या है ये ब्रह्म मुहूर्त और साधना काल का महत्व है। ये मैं बता रही ये सूर्य, अब हम दाई ओर जब लेटेंगे तो ये नाड़ी बंद हो जाती है दाई नाड़ी, बाई ओर लेटेंगे तो बाई नाड़ी बंद हो जाती है, इसीलिए सूर्य मुद्रा अगर लेट कर करनी है तो दाई करवट नहीं लेटेंगे, दाई करवट नहीं लेटेंगे। गर्मी बढ़ने से बीपी बढ़ता है, बीपी जब बढ़ता है तो फिर अब दाई ले और लेटेंगे तो हमें गर्मी शरीर में कम करनी है ना, तो दाई ओर लेटेंगे तो ये नाड़ी बंद हो जाती है, बीपी में बहुत लाभकारी है। लेकिन इसमें क्या है, बीपी बड़ा हुआ तो सूर्य मुद्रा नहीं करनी है, बीपी बड़ा हो तो आपने बाई ओर नहीं लेटना है क्योंकि तब सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी, बीपी बढ़ना शुरू, ये ध्यान रखिए, अगर लो बीपी है तो दाई ओर लेटिए, अगर हाई बीपी है तो बाई ओर लेटिए, अगर आपको हाई बीपी हो रहा है तो दाई ना आपको बंद कर दिए, आपका इमीडिएटली बीपी डाउन आना शुरू हो जाएगा, कभी भी आपको लगे बीपी बढ़ा हुआ लग रहा है 160 80 70 200 हो गया है, फीलिंग होनी शुरू हो जाती है, तुरंत दाई नासिका को बंद कर दिए या उसमें रुई डाल दीजिए, आपको गजब का लाभ मिलेगा, विद इन सेकंड जो है आपका जो है बीपी ठीक होना शुरू हो जाएगा। बीपी की मुद्रा बताऊंगा आगे, फिर मैंने ज्ञान मुद्रा बताई थी, अभी और मुद्रा बताऊंगा, स्पेसिफिक बीपी की मुद्रा बताऊंगा, और अगर लो बीपी हो फिर चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बाई नासिका को बंद कर दो, बाई नासिका को बंद करते ही बीपी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, लो बीपी जो है ऊपर आने शुरू हो जाएगा। हाइपोथायराइड में क्या होता है, बुढ़ापा, पेट भी बढ़ता है, मोटापा भी बढ़ता है, तो हाइपोथायराइड के लिए भी ये सूर्य मुद्रा बहुत लाभकारी है। तीव्र सिर दर्द में इस मुद्रा से बहुत लाभ होता है, सीवियर हेडेक, सूर्य मुद्रा बहुत अच्छी, लेकिन गर्मी से होने वाले सिर दर्द में ये लाभ नहीं करेगी, उसमें नहीं करेंगे, ज्यादातर सिर दर्द सर्दियों में बहुत होता है, ठंड लगती सिर दर्द होगा,
तो ये सर्दी से होने वाले सिर दर्द में बहुत अच्छा मुद्रा ये काम करती है, क्योंकि ये लीवर को भी ठीक करती है, इसमें जॉन्डिस में भी काम करती है ये मुद्रा जी। भोजन के बाद वज्रासन में बैठकर सूर्य मुद्रा डायबिटीज वाले जरूर करें, वज्रासन में बैठे और ये मुद्रा बना लें साथ में जो है बहुत, क्योंकि वज्रासन का लाभ वही है जो सैर का लाभ है, और सूर्य मुद्रा आपकी कैलोरी की बड़ी फास्ट बर्निंग शुरू कर देती है, बस दोनों काम हो गए। वज्रासन में बैठकर सूर्य मुद्रा बनाए डायबिटीज वालों को बहुत लाभ होगा। अब आगे जो है अब रह गई है छोटी उंगली, छह मुद्रा हमने बना ली, दो कौन सी वायु तत्व वाली ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा, दो हमने बना ली आकाश तत्व वाली आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा, दो हमने बना ली पृथ्वी तत्व वाली पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा। अब दो मुद्रा हम ज्ञान की बनाएंगे, पहली मुद्रा क्या है ये छोटी उंगली को अंगूठे के साथ जोड़ देना है, इसको कहते हैं किताब में हमने इसको इंद्र मुद्रा लिखा है, लेकिन योग शास्त्र में इसको वरुण मुद्रा कहते हैं। थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहीं और पढ़ेंगे किसी किताब में तो इसको वरुण मुद्रा कहते हैं। ये किताब मैंने ओशो द्वारा एक स्पिरिचुअल आश्रम है उनके लिए लिखी है, तो उनके गुरु जी ने इनका नाम इंद्र मुद्रा कर दिया, तो ठीक है ओके भाई, मैं कौन होता हूँ उसको चेंज करने वाला नहीं, तो इंद्र मुद्रा उन्होंने इसको हमने जो उसको वरुण मुद्रा नाम दे दिया, तो कन्फ्यूज नहीं हुई है उसमें। ये किताब के अंदर इंद्र मुद्रा है, क्या करती है जल तत्व को बढ़ाती है। जल तत्व क्या काम करता है, चेहरे की आभा को बढ़ाता है, ब्यूटी क्रीम का काम करती है ये मुद्रा। आपकी सारी कॉस्मेटिक्स छूट जाएंगी अगर ये मुद्रा करो, ये करना शुरू कर दो। आप फेशियल करते हैं ना, क्या करती है फेशियल में वही काम, ये आप उसमें मॉइस्चराइजर लगाती हैं मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर क्या है, पानी है ना, जल तत्व है ना, ये जल तत्व बढ़ा है। अब जल तत्व आपके मॉइस्चराइजर कट छूट जाएंगे, जूट ही नहीं पड़ेगी मॉइस्चराइजर की है। सर्दियों में जितने भी रोग होते हैं त्वचा को सूखने से वो नहीं होंगे, क्या कौन कौन से रोग होते हैं ज्यादा सर्दियों में, जिनको स्किन प्रॉब्लम होती है सर्दियाँ क्यों बढ़ जाती है, शरीर के अंदर जल तत्व की कमी हो जाती है, जल तत्व की कमी होने से गर्मी बढ़ जाती है। सारे त्वचा रोगों के लिए ये मुद्रा लाभकारी है, सभी त्वचा रोगों के लिए, चाहे वो खारिश हो, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे हर्पीस हो, कोई भी त्वचा रोग हो ये इंद्र मुद्रा गजब का लाभ। कैंसर में भी ये मुद्रा लाभ करेगी, क्योंकि कैंसर में शरीर में अग्नि बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा जो है, गुस्से को शांत करती है। गुस्सा असर क्या करता है, पानी क्यों भी नहीं, हमें बेहोशी हो जाती है पानी डालते हैं, बेहोशी के लिए भी ये मुद्रा काम करता है। टेप लगा दीजिए, बेहोश आदमी हो जाता है टेप लगा दीजिए, कोमा में चला जाता है, ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है इंद्र मुद्रा से। जब डिहाइड्रेशन हो जाती बॉडी के अंदर, डायरिया लग जाता है, गर्मी में अक्सर ये होता है, उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो जल तत्व की शरीर में बड़ी तेजी से कमी होती है। दो चार रोटियां आ जाए, दो चार दस लग जाए और दो दिन लगा रहे तो पता नहीं छोटे बच्चे की तो मृत्यु तक हो जाती है, छोटे बच्चे की, उनके इम्यून सिस्टम। आप बस इंद्र मुद्रा बनवा दीजिए, बस टेप लगा दीजिए, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। इसीलिए दस्तों में लूज मोशन में डायरिया में ये मुद्रा रामबाण है, हर लूज मोशन के बाद ये मुद्रा बना दीजिए, आपको कमजोरी नहीं होगी। जब दूसरा चाहे दूसरी बार लूज मोशन आएगा ही नहीं शायद, जो है बहुत अच्छी मुद्रा उसके लिए जो है। दूसरे रोगों के लिए भी बहुत लाभकारी, पेशाब अगर रुक जाता है, बड़ी मुश्किल वाली बात है, पेशाब रुक जाता है अस्पताल जाना पड़ता है, ये मुद्रा काम करेगी। एक और मुद्रा बताऊंगा अभी आपको जो है, ये मुद्रा भी काम करेगी पेशाब के रोगों में जो है। तेज बुखार हो जाता है, तेज बुखार में प्यास भी बहुत लगती है, तो इंद्र मुद्रा काम करेगी, बुखार को भी कम करेगी, प्यास को भी शांत करेगी। मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, तेज मुद्रा काम करती है। मुंह का स्वाद क्यों बिगड़ता है, क्योंकि मुंह के अंदर लार बननी बंद हो जाती है। जो लोग कल थे उनको मैंने बताया था लार क्या काम करती है,
मुंह के अंदर हमारे 3 लीटर लार रोज बनती है मुंह के अंदर, उसी से हमारा पाचन होता है, उसी से हम भोजन हमारा स्वाद आता है। तो जब मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, अगर स्वाद ही भोजन में बुखार के बाद अक्सर यही होता है, तो ये इंद्रमुद्रा बनाए। फीवर में बहुत आंखों में जलन हो, आंखों में सूखापन आ जाता है, इंद्रमुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। आंखों में जलन हो रही है, आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, बस एक ही प्रिंसिपल है कि जहां भी आंखों में पानी की कमी है ये मुद्रा बना दीजिए। शरीर का कोई भी अंग हो, नॉन बादर कहां है, ये बस ये मुद्रा बना दीजिए। शरीर का कोई भी अंग हो, पानी की कमी है, मुद्रा बना दीजिए। ग्रीष्म गर्मियों में विशेष लाभ, लू लग जाती है, ये मुद्रा लू से बचाती है हमें जो है। लू लग भी जाए तब भी जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। गैस की समस्या में बहुत लाभकारी है। हमारे शरीर में बौंटे पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसका कारण होता है जल तत्व की कमी। बुढ़ापे में जाकर ज्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। इंद्र मुद्रा क्रैम्प पड़ते ही मुद्रा लगा दीजिए, और अगर क्रैम्प पड़ने के आपको जो है वो होते रहते हैं तो रोज इंद्र मुद्रा का अभ्यास कीजिए। और क्रैम्प पड़ जाए आप लगाएंगे, 1 मिनट के अंदर आपका क्रैम्प निकल जाएगा। वो जो है क्रैम्प पड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। पिंतियों कील महासों में भी, एक्ने में भी ये मुद्रा बहुत लाभकारी है। अमल पित्त बढ़ जाने से भी मुद्रा बहुत लाभकारी है। मन शांत होता है, डेंड्रफ क्या है, डेंड्रफ भी दूर होता है इस मुद्रा से जो है। डेंड्रफ क्या है, ड्राइनेस है वहां पर बालों पर पड़ गया है, वो भी दूर होता है। और आकस्मिक दुर्घटना में बहुत, अगर एक्सीडेंट हो जाए, क्या होता है एक्सीडेंट में, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग ब्लड के अंदर 80% वाटर, ब्लीडिंग से नहीं आदमी मरता है, उसके अंदर पानी है 80%। पानी की कमी शरीर में बहुत तेजी से होती है, तो आदमी मर जाता है। इंद्र मुद्रा टेप लगा दीजिए, उसमें पानी की कमी नहीं होगी, उसकी मृत्यु नहीं होगी। एक्सीडेंट में केस में हमेशा कहते हैं डॉक्टर के पास, जितनी जल्दी क्यों ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के साथ मेन चीज है पानी की कमी शरीर में हो रही है, बस इंद्र मुद्रा टेप लगा दीजिए उसकी वक्त है। या पक टेप भी नहीं है, आप पकड़ लीजिए उसके, आप इसको ये नाक से खून निकलता है बच्चों के जो है गर्मी के कारण होता है, इंद्र मुद्रा बनाए। कल मैंने बताया था आपको हमारे डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन में क्या होता है, बहुत एक मैंने बताया था मोड ऑफ फीडिंग, हम क्या खाते हैं। फिर बताया था मैंने, क्या बताया था, उसका एसिमिलेशन पाचन अंदर जो है रस उसका बनेगा, अवशोषण होता है, फिर एलिमिनेशन होता है, बाहर निकालना है गंदगी को भी बाहर निकालना है। ये सारे काम जल तत्व के बगैर नहीं हो सकते, इंद्र मुद्रा उसमें भी काम करती है। गर्मी के अंदर हमें पैरों में गर्मी है, जलन होती है, पैर जलते हैं, बर्निंग होती है, कहीं भी शरीर में बर्निंग हो इंद्र मुद्रा काम करेगी। एनीवेयर शरीर में कहीं भी बर्निंग हो तो इंद्र मुद्रा काम करेगी। और जब पानी, मैं बाद में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी से टॉक्सिन्स हो जाते हैं, विजातीय तत्व इकट्ठे होते हैं। पानी जो लोग बहुत कम पीते हैं उनको ज्यादा रोग होते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स शरीर में निकालने का काम, शरीर के अंदर से गंदगी निकालने के दो तरह से होता है। एक तो लंग्स काम करते हैं गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त की गंदगी बाहर निकालते हैं, और जल के रूप में जो गंदगी होती है रक्त के अंदर वो किडनी बाहर निकालती है, पसीने के द्वारा भी बाहर निकलते हैं। ये मुद्रा जो है जल तत्व के बढ़ाने से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालती है, शरीर के जो भी विजाती तत्व हैं वो बाहर जल, इसीलिए पानी खूब पीना चाहिए। चलिए इसकी उल्टी मुद्रा जो है वरण मुद्रा, क्या मतलब है, क्यों लगाइए इसमें, शरीर में पानी भरा हुआ है कहीं भी, किसी भी अंग में, ब्रेन में भी मेनिनजाइटिस हो जाता है, इंसेफेलाइटिस हो जाता है,
छाती में पानी भर जाता है, क्लूरीसी हो जाती है, किडनी में पानी भर जाता है, पेट में पानी भर जाता है, ड्रॉप्सी हो जाता है, पानी टांगों में पानी भर जाता है, सूज जाते हैं टखने जो हैं, ये सब पानी भरने की निशानियाँ हैं। जब टखने सूज जाते हैं तो क्या कहते हैं डॉक्टर, किडनी काम नहीं कर रही आपकी, ठीक है ये मुद्रा काम करेगी। पानी को निकालना है, हमने जो है बड़े हुए पानी को बाहर निकालना है। तो कहीं भी शिव आपकी आंखों से पानी जा रहा है, नाक से पानी जा रहा है, बार बार जो है वरुण मुद्रा बना दीजिए। जुकाम में पानी बहुत ज्यादा बंदी लगाई रहता है, वरुण मुद्रा बनाइए। आंखों से पानी जा रहा है, वरुण इन्फेंट है, छोटे बच्चों को कई बार जो है पैदा होने के बाद ही आंखों से आम डॉक्टर छोटा सा ऑपरेशन करते करते कहते हैं वरुण मुद्रा बनाकर ट्राई कीजिए, ठीक होता है कि नहीं, डर देखिए ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं रहेगी उसकी जगह। और ये इसकी इस मुद्रा की कमी से, जल तत्व की कमी से महलों की ओवरी में सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं। क्यों बनते हैं सिस्ट में? पानी की कमी के कारण वहां सिस्ट बने शुरू। इस सिस्ट में भी काम आती है ये मुद्रा जो है, ओवेरियन सिस्ट में भी काम आती है। मैं आपको मुद्रा बताऊंगा बाद में, अभी हमको बाद उसका वक्त नहीं आएगा इसलिए बता देता हूँ, क्योंकि महलों में बहुत रोग हो रहे हैं आजकल। पंकज मुद्रा है एक, ये है पंकज मुद्रा। लक्ष्मी मुद्रा भी है, ये जो है कमल का फूल बना देते हैं, ये मिलाया और अंगूठे को मिलाया, बाकी उंगलियां खुली। अब इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, जो है जल तत्व को हम बढ़ाए जा रहे हैं। ये जल तत्व जो है ये बढ़ना शुरू हो गया है, और अग्नि तत्व भी मिला हुआ है, दोनों का संतुलन भी होना शुरू हो गया है। ओवेरियन सिस्ट के लिए लाजवाब मुद्रा है पंकज मुद्रा, को किसी बाद में चर्चा नहीं होनी है, नोट कर लीजिए। आपके यूट्रस के अंदर, ओवरीज के अंदर अगर सिस्ट हो तो ये मुद्रा बनाइए। मेरी नॉलेज में है एक लेडी पटना में रहते हैं 27 साल की, और उसको ओवेरियन सिस्ट थे। मेरे पास मेरे सेलफोन में भी मैसेज पड़ा है, एसएमएस पड़ा हुआ है, बहुत दवाइयाँ की सिस्ट के लिए ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर को इलाज नहीं होता, दवाइयों से इलाज ही नहीं होता है। जब उसके उसका फादर ये कोर्स करके गया था मुद्रा चिकित्सा का, तो उसने ये मुद्रा बनवा दी। 1.5 महीने के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो सिस्ट नहीं थे ओवरी के अंदर में। गजब का काम करती है पंकज मुद्रा ओवेरियन सिस्ट में और यूटेराइन सिस्ट में, क्योंकि जल तत्व है। ये मुद्रा भी काम करेगी, लेकिन ये स्पेशल मुद्रा है उसके लिए, ओवेरियन सिस्ट के लिए। फेफड़ों में, बलगम, साइनस में, यहाँ म्यूकस जम जाता है। साइनस में क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा होने से क्या है ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, साइनस के रोग होते हैं। अस्थमा में बलगम आना शुरू हो जाता है, बहुत फर्क है। उन सब में ये मुद्रा काम करेगी, वरुण मुद्रा। यहाँ भी पानी बढ़ा हुआ है, बस वरुण मुद्रा बनाइए। श्लेषणा की मैं बात करता हूँ, क्योंकि उस मुद्रा का भी चक्कर नहीं होगा। साइनस के बहुत रोग हो रहे हैं, मैंने अभी बताया है। म्यूकस क्या है, कफ बड़ा हुआ है, कौन से तत्व है, जल और पृथ्वी, कफ। इन दोनों तत्वों को मोड़ दीजिए आप जो है प्लीज, इन दोनों तत्वों को आपस में बातें नहीं कीजिए प्लीज, इन दोनों तत्वों को मोड़ दीजिए आप जो है दोनों उंगलियों को, और इसको जोड़ दीजिए। ये साइनस की मुद्रा है, साइनस के रोगों की। क्या किया हमने, कफ तत्व को कम करना शुरू कर दिया, बहुत लाभ मिलता है साइनस के रोगों में। ये मुद्रा रामबाण मुद्रा है, इसको कुबेर मुद्रा कहते हैं। ये हमने 8 मुद्राएं कर ली, जो पहले की थी उसको मैं कहता हूँ टाइप 1 मुद्रा। वो किताब में अभी नहीं लिखा है, नेक्स्ट एडिशन में उसको चेंज करूंगा। और जो मोड़ कर बनाते हैं वो टाइप 2 मुद्रा है। दो प्रकार की मुद्रा, टाइप 1 और टाइप 2, 4 टाइप 1 की, 4 टाइप। तो हमने देख लिया कि ज्यादातर रोग तो हम इन्हीं 8 मुद्राओं से ठीक कर सकते हैं, हो गया ना ये क्लियर। ज्यादातर रोग हम इन 8 मुद्राओं के प्रयोग, आपको बस सिर्फ सोचना है कि हम क्या हो रहा है और क्या करना है, दैट्स ऑल। और कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो आदमी बिस्तर के साथ भी लगा है वो भी कर सकता है, चलते फिरते आप मुद्राएं कर सकते हो, बैठते हुए कर सकते हो,
टीवी देखते हुए कर सकते हो, बातें मुंह करते हुए कर सकते हो, लेकिन अगर बैठकर आप जो है प्राणायाम के साथ करोगे, डीप ब्रीदिंग के साथ, तो मुद्राओं का लाभ बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा मुद्राओं का लाभ। अगर आप किसी भी सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में या कुर्सी पर ही बैठकर सही बैठकर करने से प्राणायाम करोगे गहरे लंबे श्वास, तो मुद्राओं का लाभ इसलिए बढ़ जाएगा कि साथ साथ प्राणायाम के लाभ भी मिल रहा है। प्राणायाम का बहुत लाभ होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है प्राणिक मुद्राएं? मैंने कहा था ना आठ सत्य मुद्राएं, आप पांच प्राणिक मुद्राएं तो ब्रेक देनी है। चलो देख देते हैं, ब्रेक 15 मिनट के लिए ब्रेक दे देते हैं, उसके बाद प्राणिक मुद्राओं को। लेकिन ठीक 4:15 बजे यहाँ आ जाइएगा, हम ठीक 4:15 बजे शुरू कर देंगे। कि बीच में कोई प्रश्न नहीं करें, अपने मोबाइल फोन सब बंद करके रखें, ताकि हम जो है बड़े इजीली जो है अपना कार्यक्रम को संपन्न कर सकते। सीढ़ी बन रही है, बीसीडी बन रही है, तो कृपया जो है बैठ जाए सब लोग जो है, और शांति, बिल्कुल शांति। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मुद्राएं करने जा रहे हैं। जो पहली 8 मुद्राएं की थी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं। लेकिन उस फिर पहले आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ते हैं, हमने मैंने बताया था 8 तत्व मुद्राएं बनाई, 4 तत्व। प्रश्न ये उठता है कि 5वां तत्व कहाँ गया? वायु तत्व किया, आकाश तत्व किया, पृथ्वी तत्व किया, जल तत्व, अग्नि तत्व कहाँ गया? ये कहाँ आ गया? अग्नि तत्व बढ़ जाए, अग्नि तत्व कम करें तो फिर क्या करें? जब अग्नि तत्व बढ़ता है तो क्या होता है? पानी की पानी से उसको शांत किया जाए। फायर आग लग जाए तब भी, गर्मी बढ़ जाए तब भी हम नहाते हैं, पानी पीते हैं, क्या होता है हमें पानी। तो ये जो इंद्र मुद्रा बनाई थी, ये जो हमने इंद्र मुद्रा बनाई थी, इससे अग्नि तत्व बढ़ जाए तो वो ठीक होता है, और अग्नि तत्व कम हो जाए। एक सूर्य मुद्रा बनाई थी हमने, तो वो अग्नि तत्व की कमी को दूर करता था। इसलिए अलग मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन दो मुद्राओं से अग्नि तत्व बढ़ जाए तो इंद्र मुद्रा, अग्नि तत्व कम हो जाए तो सूर्य मुद्रा, इनसे इनकी पूर्ति हो जाए। आगे चलते हैं प्राणिक मुद्रा। प्राण, प्राण मीन शक्ति, मैंने पहले बताया प्राण क्या है। प्राण वायु, ये वायु हम ग्रहण करते हैं, वो प्राणों में कन्वर्ट हो जाता है, वही हमारी शक्ति है। और वो शक्ति सारे शरीर में व्यापक है, हमारी सभी इंद्रियों को भी प्राण कहते हैं, क्योंकि प्राण कुछ नहीं बल्कि एक शक्ति है। और ये शक्ति जब देखने में काम करती है तो उसको हम कहते हैं, सुनने में काम करती है तो इसी तरह बोलने में काम करती है, तो वो जो है वाक शक्ति है। शरीर में जहाँ कहीं भी शक्ति है वो प्राण शक्ति का रूप है। और इसके लिए जो है मुद्रा बनाते हैं, उसको कहते हैं प्राण। छोटी उंगली और उसके साथ वाली पृथ्वी तत्व वाली उंगली, दैट मींस अनामी का उंगली, जल तत्व और पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व का समन्वय। छोटी उंगली, अनामी की उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को, टिप्स को आपस में मिलाकर बनती है प्राण मुद्रा। हमें पहले बताया कि क्या करती है, प्राण शक्ति हमारी बढ़ाती है, शरीर के सारे अंगों की प्राण शक्ति को जागृत करती है, शरीर की बैटरी को चार्ज करती है। ये शरीर की बैटरी को, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, सब कुछ चार्ज करते रहते हैं, ये प्राण मुद्रा शरीर की बैटरी को चार्ज करती है। सबसे बड़ा लाभ इसका ये है कि हम शक्तिवान बन जाते हैं, हमारे सारे जो है सुस्ती दूर हो जाती है, सारी सुस्ती, क्योंकि सारा शरीर जो एनर्जी से चलता है, प्राण शक्ति से चलता है।
जब ये मुद्रा बना लेते हैं इससे बहुत जल्दी ही हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। और जब एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो कोई रोग हमारे पास आ नहीं सकता है, क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाता है इसीलिए रोग आते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तब हम बीमार होते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति को सबल बनाने के लिए ये मुद्रा लाजवाब है, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है, ठीक है। इससे बड़ा लाभ कोई मुद्रा नहीं दे सकती, इसलिए ये मुद्रा हर किसी को रोज करनी है। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसकी कोई आयु हो कुछ हो, ये मुद्रा रोज कम से कम एक घंटा करनी है। और ये मुद्रा अनलिमिटेड है, इसको तो आप 24 घंटे भी कर सकते हो। कोई जब भी आपको और कोई मुद्रा आपको नहीं करनी है तो प्राण मुद्रा जरूर कीजिए। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई और मुद्रा करनी है किसी रोग के लिए, मान लो आपको सूर्य मुद्रा करनी है या वायु मुद्रा, तब भी साथ साथ प्राण मुद्रा जरूर कीजिए। उस मुद्रा का लाभ भी कई गुना बढ़ जाएगा। प्राण मुद्रा को जरूर करना है रोज, चाहे आपका रोग हो या ना हो, प्राण मुद्रा जरूर करें। ये क्या था? मंगल, सूर्य और बुध। मंगल, सूर्य और बुध के मिलने से हमारी वाक शक्ति बढ़ती है, इसलिए ओरेटर्स के लिए, बोलने वालों के लिए ये मुद्रा बहुत लाभकारी है। टीचर्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए, वकीलों के लिए, जिनका काम बोलना है, ये वाक शक्ति बढ़ाती है। कभी थकेंगे नहीं, चाहे 6-6 घंटे बोलते रहें, मुद्रा बदल के मिलता है, क्योंकि ये मुद्रा हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए फ्लू के लिए रामबाण है, चाहे स्वाइन फ्लू क्यों ना हो, ये मुद्रा करने पर, अगर करेंगे तो स्वाइन फ्लू आएगा ही नहीं, चिकनगुनिया भी नहीं आएगा, डेंगू भी नहीं, आपके पास कोई फ्लू आपके पास भटक नहीं सकता, अगर ये मुद्रा आप रोज करते रहें। और अगर गलती से हो जाता है तो इस मुद्रा को कर लें, आप एक दिन के अंदर आपके प्लेटलेट्स के काउंट कभी कमी नहीं होगी, इसमें इतनी जबरदस्त मुद्रा है ये प्राण मुद्रा। तन और मन दोनों की दुर्बलता दूर होती है। पिछली मुद्रा से क्या कहा था? विटामिनों की कमी दूर होती है, मिनरल्स की कमी दूर होती है, इससे जल्द, ये दो मेन चीजें हमारी हैं शक्ति के स्रोत जो हैं, मिनरल्स, फूड और जल, तो दोनों की कमी दूर करती है, इसीलिए ये तन और मन की दुर्बलता को दूर करती है। आंखों के लिए ये लाजवाब मुद्रा है, नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, आंखों के सभी रोगों को दूर करने के लिए। क्या होते हैं आंखों को रोग? क्यों होते हैं आंखों को रोग? जब होते हैं एक क्या होता है, आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, पहला कारण है ड्राइनेस होना आंखों में। और दूसरा कारण क्या है? आंखों की मांसपेशियां वीक हो जाती हैं। अब हमने इसमें इंद्र मुद्रा बनाई तो ड्राइनेस को खत्म किया, और पृथ्वी मुद्रा बनाई तो मसल की कमजोरी को दूर किया, तो दोनों काम हमने साथ साथ कर दिए, इसीलिए ये आंखों के लिए बहुत लाभदायक। और दिन में 2-3 बार जब भी आपको मौका मिले, टैप के पास खड़े होकर आंखों पर छींटे जरूर मारेंगे। सुबह उठते ही अपनी थूक लेकर बिना कुल्ला किए हुए आंखों में लगाएं, आपकी नेत्र ज्योति बहुत स्ट्रांग होगी। मुंह की थूक को सुबह उठते ही आंखों के अंदर लगाएं, बहुत नेत्र ज्योति के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। नींद नहीं आती हो जब इस मुद्रा का, ज्ञान मुद्रा हमने कहा था, ज्ञान नींद के लिए ट्रेन करें, ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा दोनों करें, एक हाथ से ज्ञान करें दूसरे हाथ से प्राण कर लें, जिससे नींद के रोगों में भी थकावट जल्दी दूर होती है, नस नाड़ियों की पीड़ा दर्द सब दूर होते हैं। हमारी अंदर की शक्तियां जागृत होनी शुरू हो जाती है। ये जमीन जो है, पृथ्वी जो है, जल के बगैर पृथ्वी काम नहीं कर सकती, बंजर हो जाएगी, जल नहीं मिलेगा, अग्नि भी नहीं मिलेगी उसको, तभी वो काम नहीं करेगी। इनका बैलेंस चाहिए, अग्नि, जल और पृथ्वी तीनों मिलकर ही जो है उनके अंदर जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती है, कुछ उत्पत्ति करने की शक्ति बढ़ती है। ये मुद्रा हमारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाती है, जागृत करती है।
वेट कंट्रोल के लिए भी, क्योंकि क्या है इसमें जो है हमने प्राण मुद्रा में ये इंद्र मुद्रा से प्यास पर कंट्रोल कर लिया, पृथ्वी मुद्रा से हमने भोजन पर कंट्रोल कर लिया, तो भूख और प्यास दोनों को कंट्रोल करती है ये मुद्रा जो है। भूख और प्यास कंट्रोल जब हो जाती है तो वेट पर अपने आप असर आने शुरू हो जाता है। मैं कई बार सोचता हूँ मन में, फास्टिंग के दौरान ये मुद्रा बहुत अच्छी काम करती है। मैं कई बार सोचता हूँ कि महात्मा गांधी शायद ये मुद्रा बनाकर ही फास्ट किया करते थे, इतने इतने दिन जो कोई तो काम कर रहा होगा, या हमारे ऋषि मुनि भी जो है घनी तपस्या करते रहते थे बैठे, भूख प्यास उनको नहीं लगती होगी, तो ये मुद्रा को उन्होंने जरूर उपयोग किया होगा। प्राण मुद्रा का जो कई दिनों तक आप भूखे रह सकते हैं, लंबी यात्रा पर जाए भूख प्यास आपको कभी नहीं सताएगी अगर ये मुद्रा कर लेते। कैंसर के रोगियों के लिए और सभी असाध्य रोगों के लिए ये मुद्रा बहुत लाभकारी है। कैंसर के तो विशेष कर, क्योंकि इसमें जल तत्व भी इंक्रीज हो रहा है और पृथ्वी तत्व कैंसर में बड़ी कमजोरी होती है, शक्ति भी बढ़ रही है मानसिक भी और शारीरिक भी, तो कैंसर सभी प्रकार के कैंसर के लिए ये मुद्रा बहुत लाभ। बहुत महिलाओं ने मुझसे पूछा ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो ये प्राण मुद्रा काम करेगी इसमें। ट्यूमर्स हो उनके लिए, उसके भी जो है बहुत अच्छी मुद्रा ये काम करेगी, ट्यूमर्स के लिए भी जो है। मधुमेह, अस्थमा, श्वास के रोग, ब्रोंकाइटिस, सब में ये मुद्रा लाभ करी है। लेकिन मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए मैंने अभी बताई थी आपको सूर्य मुद्रा, क्योंकि मधुमेह के लिए कोई स्पेशल मुद्रा नहीं है, एक सूर्य मुद्रा, दूसरी प्राण मुद्रा और तीसरी अभी मुद्रा आएगी अपान मुद्रा। ये तीनों मुद्राओं का प्रयोग मधुमेह के रोगियों रोज करेंगे तो उनके मधुमेह भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अपान मुद्रा की चर्चा बाद में करेंगे अभी। कभी आपका कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए आपको, तो प्राण मुद्रा जरूर कर लें। फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई भी रोग आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है, प्राण मुद्रा जरूर कर लें, बहुत जल्दी आपकी रिकवरी होगी इससे जो है प्राण मुद्रा करने से। और अगर प्राण मुद्रा के साथ गहरे लंबे श्वास करें तो फिर सोने पर सुहागे वाली बात है। मुद्रा विज्ञान के महान मर्मज्ञ जिन आचार्य केशव देव जी दिल्ली में रहते हैं, उनकी आयु इस वक्त शायद 95 से भी ऊपर है, लगभग जो है आज का जो मुद्रा विज्ञान का रूप है वो उन्हीं की देन है। पिछले 60 साल से वे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनका दिल्ली में योगाश्रम भी है, विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल भी है, वो आयुर्वेद भी जानते हैं, ज्योतिष वगैरह भी बहुत कुछ जानते हैं। मुद्रा विज्ञान आज की उन्हीं की देन है और उनका कहना है कि प्राण मुद्रा से शरीर में प्राण शक्ति बड़ी तीव्रता से उत्पन्न करने वाला डायनामो चलने लगता है और ज्यों ज्यों प्राण शक्ति रूपी बिजली शरीर की बैटरी पर चार्ज करने लगती है त्यों त्यों रोगी को अपने भीतर चेतना अनुभव होने लगती है। प्राण मुद्रा का अभ्यास सभी स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए लाभ प्रदान करता है, इसलिए इस मुद्रा को रोज करना है। ठीक है, अपान मुद्रा हमने क्या किया अभी, इन दो उंगलियों का प्रयोग किया, छोटी उंगली जल तत्व वाली उंगली और अनामिक उंगली पृथ्वी तत्व वाली उंगली, अब इनको दो बजाय बीच वाली दो उंगलियों का प्रयोग करने जा रहे हैं। बीच वाली दो उंगलियों अंगूठे के टिप्स के साथ इनके टिप्स मिला दीजिए और बाकी दोनों उंगलियां सीधी अपान मुद्रा। मैंने शुरू में ही कहा था आपको पहले सेशन में कि प्राण और अपान दो प्रकार की वायु है जिनका गति रोध है, प्राण ऊपर की ओर जाती है, अपान नीचे की ओर जाती है। जब तक इनका गति रोध दूर नहीं होता है हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, ना मन ना शरीर, इन दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। तो अब हम अपान मुद्रा की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा कि इनका गति रोध कैसे दूर करना है। ये कौन सी उंगली है, पृथ्वी तत्व और अपान वायु है, नाभि से नीचे लग जाती है शरीर के। अपान वायु का काम है शरीर में से गंदगी को बाहर निकालना, हर प्रकार के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो क्या हुआ,
कब्ज के लिए बहुत लाभकारी है। प्राणी से प्राणी कब्ज इस मुद्रा से टूट जाती है, अपान मुद्रा से। प्राणी से प्राणी कब्ज, सिर्फ कब्ज नहीं, ये पेट के सारे रोगों को दूर करती है। डायरिया भी हो तब भी ठीक करती है, उल्टियां आती हो तब भी ठीक करती है, पाचन शक्ति कमजोर है, कोलाइटिस है, आव बनती है, अपान मुद्रा। लिवर को स्ट्रॉन्ग करती है, जांडिस हो जाए तब भी अपान मुद्रा। छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को आजकल बहुत होता है जांडिस हो जाता है, 90% बच्चों को हो रहा है। अपान मुद्रा बनाकर टेप लगा दीजिए, एक ही दिन में जांडिस उनका खत्म हो जाएगा। जांडिस के केस में पीलिया रोग में लिवर बड़ा हुआ हो, लार्ज लिवर हो, तब भी ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। पेशाब के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है, मूत्र कम आता हो, मूत्र ज्यादा आता हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन मूत्र का हो, सिस्टाइटिस हो, एल्बुमिन आता हो, कुछ भी पथरी हो किडनी के अंदर, ब्लैडर के अंदर, वो भी ये मुद्रा ठीक करती है। लिवर के जो है गैल ब्लैडर के अंदर पथरी हो उसको भी ठीक करती है ये मुद्रा, अपान मुद्रा, क्योंकि इसका संबंध जो है पेट से है, पेट से नीचे सारे एंगल से। बहुत बढ़िया मुद्रा है ये शीर की। पसीना नहीं आता हो, पसीने के रास्ते से गंदगी निकलती है, पसीने को भी रेगुलेट कर दे, पसीना आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में भी ये बहुत उत्तम काम करती है अपान। अब हम जो है इस मुद्रा का उपयोग, ये मैंने कहा पाचन शक्ति, एक हम काम जो रोज करते हैं आजकल जो है वो क्या करते हैं, हम ठूस ठूस कर खाते हैं, रोज करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये नहीं करता है, स्वयं चरडिया साहब को छोड़ कर ठूस ठूस कर खाते हैं, जहां मिल गया वहीं भोजन करने बैठ गए। स्वाद के चक्कर में, मैंने बताया था कल कि हम भोजन क्यों करते हैं, स्वाद के चक्कर में। पेट भर गया है, लालसा नहीं जाती है, और खाते जाएंगे, स्वाद चीज तो नहीं जाती। थोड़ा गाजर का हलवा थोड़ा और खा लेते हैं, देखा जाएगा, बाद में गोली खा लेंगे। ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है, अपान मुद्रा क्या करती है, ठूस ठूस कर खाने से क्या होता है, आकाश तत्व की कमी हो जाती है, पेट की मांसपेशियां को जो संकुचन आकुंचन बंद हो जाता है आकाश तत्व की कमी से, आकाश तत्व को इंक्रीज करती है, साथ में मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करती है, पेट की मांसपेशियों को, तो पृथ्वी मुद्रा है, तो दोनों मुद्रा आकाश तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट की मूवमेंट अंदर मांसपेशियों के मूवमेंट जर्निंग होनी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी आराम मिलता है अपान मुद्रा से। अगर आपने गलती से पेट, इसका मतलब ये नहीं कि आप ठूस ठूस कर भरे अपान में अपान मुद्रा में, लेकिन कभी बहुत लाभ होगा इससे। उच्च रक्षा, क्योंकि सारे रोग हमारे जो हैं पाचन शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जब पाचन शक्ति ठीक करती है तो उच्च रक्षा, मधुमेह, गुर्दों का रोग, श्वास रोग, मसूड़ों का रोग, पेशाब का रुक जाना, पेशाब की जलन, लिवर के रोग, पेट दर्द, कब्ज, बवासीर, कोलाइटिस, सब कुछ ठीक होता है। पेट दर्द के लिए ये मुद्रा रामबाण है। मैंने कहा था वायु मुद्रा क्या करती है, गैस दूर करती है, लेकिन पेट दर्द वायु मुद्रा से नॉर्मली ठीक नहीं होता है, पेट दर्द के लिए अपान मुद्रा। यहाँ दोनों मुद्राएं साथ साथ लगा सकते हैं, वायु मुद्रा भी और अपान मुद्रा भी, अगर पेट दर्द की प्रॉब्लम है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया पर आते हैं, गर्भावस्था। प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी का वक्त आता है तो कई बार जो है लेबर पेंस ठीक से नहीं होती है, डॉक्टर इंजेक्शन भी देते हैं, और आजकल तो सिजेरियन ऑपरेशन बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि औरतों की शक्ति सहन करने की शक्ति नहीं रही, और वैसे भी वो खाती पीती जो है आजकल लड़कियाँ जो है खासकर कुछ नहीं खाती पीती हैं, न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाती हैं, जंक फूड तो बहुत खाती हैं, तो उससे क्या है लेबर पेन ठीक से नहीं होती, वीकनेस, उनकी शक्ति चाहिए, शक्ति नहीं होती, ये मुद्रा जो है लेबर पेन को बढ़ा देती है और सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होगा,
नाइन्थ मंथ के अंदर अगर ये मुद्रा प्रेग्नेंट लेडी करनी शुरू कर दे उसको सिजेरियन ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होगी। यहाँ तक के लेबर पेन वीक हो रही है उस वक्त भी आकर के प्राण ये अपान मुद्रा करा रहे हैं तो 15 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि प्राण शक्ति जो है ना पृथ्वी तत्व तो बहुत जल्दी से बढ़ाया है और आकाश तत्व भी बढ़ाया है तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रेगनेंसी के। लेकिन ये मुद्रा पहले 7 महीनों में बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि ये अबॉर्शन करा देंगे, मिस कैरेज करवा देंगे, नहीं करते प्रेगनेंसी के पहले 7 महीने में ये मुद्रा मिस कैरेज करवा देंगे, इसलिए पहले 7-8 महीने नहीं, सिर्फ 9th मंथ में ये मुद्रा करनी है प्रेगनेंसी के लिए। महिलाओं के मासिक धर्म की सभी तकलीफें क्योंकि इसका संबंध जो है ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके साथ भी है, सारे सभी प्रकार की महिलाओं की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को ये मुद्रा दूर करती है, मेंसेस कम आते हो ज्यादा आते हो हैंटन होती हो पीड़ा होती हो क्रैम्प्स आते हो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम सब में ये मुद्रा काम, और इसके साथ अगर वायु मुद्रा भी लगा दिया जाए तो फिर तो गजब का काम करती है मेंसेस में जो है वायु मुद्रा और अपान मुद्रा। सब लेडीज को 1-2 दिन तो प्रॉब्लम होती ही है, बस एक बार ये मुद्रा कर लें तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेंसेस की कोई भी रत्ती भर भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी अगर ये वायु मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों साथ साथ। मेनोपॉज में भी ये मुद्रा काम करती है अपान मुद्रा क्योंकि इसके साथ रिप्रोडक्टिव अंग जुड़े हुए हैं, मैंने बताया था अपान वायु का नाभि से नीचे वाले सभी अंग, नाभि से नीचे या यूट्रस ठीक है, ये मुद्रा प्रोस्टेट ग्लैंड में भी अच्छा काम करती है, जो भी नाभि से नीचे है, घुटनों के दर्द में भी अच्छा काम करती है, टांगों के दर्द में भी अच्छा काम करती है, पैरों के दर्द, क्योंकि नाभि से नीचे वाले जितने अंग हैं उनको एक्टिवेट करती है, उनको सुदृढ़ बनाती है अपान मुद्रा। इन यहाँ तक के नपुंसकता हो बांझपन हो इम्पोटेंसी को भी ये मुद्रा दूर करती है अपान मुद्रा, क्योंकि उन वो प्रजनन अंगों को स्वस्थ बनाती है। नाभि कई बार लोगों की अपने स्थान पर नहीं रहती और अक्सर लोगों को इसे बहुत प्रॉब्लम होती है, डायरिया लगा रहता है, पाचन ठीक से नहीं होता है, नाभि गिर जाती है, और नाभि जो है नाभि गिरने का मैं बहुत अच्छा आपको तरीका बता देता हूँ क्या है, अगर दोनों हाथों को आप मिलाएंगे, दोनों हाथों कैसे मिलाएंगे तो आपकी ये रेखाएं है ना उंगलियों की और ये हृदय रेखा ये आपस में मिलनी चाहिए, हम बात कर रहे हैं अपान वायु की, अपान वायु की अपान मुद्रा की, प्लीज बातें नहीं कीजिए, प्लीज प्लीज बातें नहीं कीजिए आपस में, अपान मुद्रा से जो है मैं आपको समझा रहा हूँ कि इम्पोटेंसी भी नपुंसकता भी दूर होती है, क्योंकि प्रजनन अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, ओवेरियन ओवरीज में ब्लॉकेज होती है वो भी ठीक होनी शुरू होती है, शुक्र धातु को बहुत स्ट्रांग बनाती है ये जो है ये मुद्रा जो है, मेज की नपुंसकता को भी ठीक करती है, फीमेल की नपुंसकता को भी दूर करती है। नाभि की बात कर रहा था कि ये अगर हाथ मिलाएं आपस में आप जो हैं तो अगर आप देखें कि यहाँ आपकी हृदय रेखा मिली हुई हो तो ये तीनों ये उंगलियां जो है आपकी जो है छोटी उंगली इनकी जो जॉइंट्स की रेखाएं आपस में मिलनी चाहिए, अगर ये नहीं मिली हुई है तो मतलब है आपकी नाभि गिरी हुई है, सिंपल सा फार्मूला है टच करने का, आपकी नाभि गिरी हुई है, नाभि को अपनी जगह पर वापस लाने के लिए अपान मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है, और साथ में उत्तान पादासन वो किसी योग शिक्षक से सीख लीजिए, उत्तान पादासन उपान मुद्रा और उत्तान पादासन, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है आजकल नाभि गिर जाती है।
इस मुद्रा से मुख नाक कान आंख आदि के भी विकार दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि पाचन शक्ति से सारे रोग आते हैं। मुंह के छाले भी दूर होते हैं। ऐसे जो है एसिडिटी जब बढ़ जाती है तभी मुंह के छाले आते हैं। एसिडिटी बढ़ जाती है तो दांत में दर्द होता है, मसूड़ों के रोग होते हैं, उनमें भी ये पान मुद्रा। एक ही मुद्रा लाभ इतने अपान मुद्रा। मधुमेह में पहले पिछले बार कहा था कि सूर्य मुद्रा करें, अब 15 मिनट अपान मुद्रा, 15 मिनट अपान मुद्रा, या एक हाथ से प्राण मुद्रा दूसरे हाथ से अपान मुद्रा, दिन में 3 बार 15-15 मिनट करें मधुमेह में, बहुत साथ में सूर्य मुद्रा भी करें, ठीक है, बहुत लाभ होता है उसमें। अब क्या होता है, लोग कहते हैं मधुमेह से हमारा बीपी भी बढ़ा हुआ है तो सूर्य मुद्रा उसमें हानिकारक है, क्योंकि गर्मी बढ़ाती है, तब प्राण और अपान दोनों करें। ये अपान मुद्रा शरीर की गर्मी को कम करती है। अपान मुद्रा शरीर में कहीं भी गर्मी हो अपान मुद्रा कम करती है। नींद इंसोम्निया अनिद्रा रोग को ठीक करती है, पीलिया को ठीक करती है, अस्थमा हार्मोनल प्रॉब्लम और एक्सेसिव पैरों में जलन होती है, आंखों में जलन होती है, कहीं भी जलन होती हो अपान पर्टिकुलरली यूरिनरी रोगों के लिए तो ये मुद्रा रामबाण है। कोई भी डिजीज हो आपको, पेशाब का, पेशाब ज्यादा आता हो, पेशाब कम आता हो, पेशाब में जलन होती हो, एल्बुमन होता हो, पेशाब रुक गया हो, सिस्टाइटिस हो, सभी पेशाब के रोगों में यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को यूटीआई कहते हैं। अपान मुद्रा रामबाण है। किडनी भी फेल हो जाए तब भी ये मुद्रा काम करती है अपान मुद्रा। पथरी को भी निकाल देती है, किडनी की, ब्लैडर की पथरी को भी निकालती है, गैल स्टोन की पथरी में भी काम करती है। अपान मुद्रा का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पहला शिविर हमने किया था उषोधारा के अंदर, किताब मैंने वहीं के लिए लिखी थी, और वहाँ हर 2-3 महीने बाद मुद्राओं का शिविर होता है। मुरथल पंजाब सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक गांव है मुरथल, वहाँ इनका आश्रम है जिनके लिए मैंने किताब लिखी है उषोधारा। तो एक लेडी थी, पहली मुद्रा को उसने फोर्स किया वो जो है, और उसने प्राइवेट जाकर बताया कि मेरे बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हो, उसकी एज मेनोपॉज के आसपास थी, बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हो रही है और डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके अंदर बहुत बड़ी पथरी है उसके अंदर जो है, तो मैं क्या करूँ, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता हूँ। मैंने उनको सजेस्ट किया आप अपान मुद्रा करो। पर्सनली 2-3 महीने के बाद उससे फिर मेरी मुलाकात हो गई, 3-4 महीने बाद जो है मैंने उससे, वो मेरे आकर पैरों में पड़ गई, क्या बात है। वहाँ अशोधारा में हम जो है ना सब लेडीज को माँ कहते हैं, चाहे वो छोटी बच्ची भी क्यों ना कोई भी हो, और पुरुषों को स्वामी कहते हैं। मैंने कहा माँ क्या हुआ, कहती आपने तो कमाल कर दिया, ये मुद्रा करने से हफ्ते भर में तो ब्लीडिंग खत्म हो गई, और 3 महीने बाद जो अल्ट्रासाउंड कराया तो कोई रिसोल्वी नहीं थी उसके अंदर, जो है यूट्रस के अंदर मेरा यूट्रस बच गया है। गजब की मुद्रा ये काम करती है रिसोल्वी के लिए भी। अब हमने क्या किया था, बीच वाली 2 उंगलियों को भी यूज कर दिया, अब साइड वाले जो अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां कौन सी, वायु तत्व और आकाश तत्व। क्या है ये, वात उंगली, मैंने बताया ना ये वात है, तो ये है। अब वात क्या है, वायु शरीर में सारे चल रही है, वायु ही रक्त संचार को चलाती है, वायु में ऑक्सीजन है, ये है व्यान मुद्रा। हाई बीपी के लिए, लो बीपी के लिए, और सभी प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन रक्त संचार के जितने भी रोग हैं उन सब में ये गजब का काम करती है व्यायाम मुद्रा। हाई बीपी एज वेल एज लो बीपी रक्त संचार ठीक करती है, नमनस को भी ठीक करती है व्यायाम मुद्रा। हृदय के लिए बहुत लाभकारी, क्यों, 2 मुद्राएं हैं,
वायु वाला वायु भी हृदय के लिए चाहिए और आकाश तत्व भी, तो हृदय रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। वात पित्त और कफ का संतुलन होता है इस मुद्रा से। थोड़ा सा फिर वापस जाना चाहता हूँ, प्राण मुद्रा हमारी शक्ति बढ़ाती है, वाइटल फोर्स। होम्योपैथी जो है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, एक थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। होम्योपैथी कहती है कि हम रोगी क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जीवनी शक्ति कम, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, हमारी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती है। और होम्योपैथिक दवाइयों से हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ हम जीवनी शक्ति को उसको बढ़ा रहे हैं, ये मुद्रा वही काम कर रही है। एलोपैथी क्या कहती है कि हमारे अंदर टॉक्सिन भरे हुए हैं, आयुर्वेद भी यही कहता है, टॉक्सिन भरे हुए हैं, जर्म्स भरे हुए हैं, कीड़े भरे हुए हैं, विजाति तत्व भरे हुए हैं, ये अपान मुद्रा उसको निकालने का काम कर रही है। तो ये होम्योपैथी और ये एलोपैथी दोनों का काम इकट्ठी कर रही है, एक हाथ से प्राण मुद्रा, दूसरे हाथ से अपान मुद्रा करते रहो तो शरीर कभी रोगी नहीं होगा। मैं पहले मैंने वापस जा रहा हूँ, मैंने कहा था, भूल गया था बीच में ये कहना जो है, एक हाथ से प्राण मुद्रा और दूसरे हाथ से अपान मुद्रा करने से अगर रोज करते रहें तो आप रोगी कभी नहीं होंगे, ठीक है। अब व्यान मुद्रा की बात भी मैंने कर ली, व्यान मुद्रा का मेन काम यही है कि आप जो है हाई बीपी और लो बीपी दोनों को ये ठीक करती है। मेरी कॉलोनी में एक लेडी है, इंडियन ऑयल कंपनी से रिटायर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट रिटायर हुई है, उसकी उम्र 60 से ऊपर ही है, उसने अपने कानों के रोग, हर महीने वो ENT स्पेशलिस्ट के पास जाती थी, वजन भी उसका ज़्यादा था, कानों के रोग उसने ठीक किए आकाश मुद्रा शून्य मुद्रा से, सूर्य मुद्रा का रोज करने से उसने 15-16 किलो वजन कम किया, उसका बीपी भी बहुत फ्लक्चुएट करता रहता था, वो व्यायाम मुद्रा से ठीक किया। उसने आदत ही डाल ली थी कि दिन भर में इन तीन मुद्राएं कोई ना कोई करनी है, पूरी तरह से कानों के रोग भी ठीक हो गए, बीपी दवाइयाँ छूट गई उसकी हर किस्म की हैं, और उसकी फिगर भी ठीक हो गई, मोटापा भी कम हो गया। अब करते हैं हम उदान मुद्रा। अब अंगूठे के साथ वाली तीन उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं, छोटी उंगली सीधी रहेगी। उदान मुद्रा, उदान वायु का सुमन किससे है, गले से लेकर मस्तिष्क तक। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, क्योंकि मस्तिष्क इसमें इन्वॉल्व है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है। कोई दवाई तो आपकी विजडम नहीं बढ़ा सकती, कोई भी दवाई, कोई भी पैथी आपकी बुद्धिमत्ता, लेकिन ये मुद्रा चिकित्सा आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ा सकती है, आपको बुद्धिमान बना सकती है। ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा तो है ही, उदान मुद्रा थायराइड के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है, कि इसका संबंध है विशुद्धि चक्र से, थायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से, कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस बनाकर रखती है। थायराइड के सभी रोगों में हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड दोनों के लिए बहुत, गले के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है उदान मुद्रा जो, गले के रोगों के लिए। स्मरण शक्ति बढ़ती है, मानसिक स्थिरता बढ़ती है, और इस मुद्रा को करने के साथ थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते ही रहिए, बड़ा मजा आएगा। थोड़ा थोड़ा गुन, हम जो है इतने आजकल उदास रहना शुरू हो गए हैं, रोगों होने का सबसे बड़ा कारण तो वो ही है, लोगों ने सुइसाइड, बच्चे आजकल सुइसाइड कर रहे हैं, स्कूल के लड़के लड़कियां सुइसाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है। गुनगुनाना सीखिए थोड़ा सा जो है, मुस्कुराना सीखिए थोड़ा सा जो, ना हम मुस्कुरा, हंसना तो बात ही दूर रही, हंसना तो भूल ही गए हैं, मुस्कुराना भी भूलते जा रहे हैं, चेहरे हमको ऐसे लगते हैं कि जैसे मातम छाया हुआ हमारे चेहरे पर। गुनगुनाना सीखिए साथ में। चलिए आगे हम करेंगे स्मान मुद्रा, जिसको कहते हैं मुकुल मुद्रा, यहाँ लिखा हुआ है। पांचों तत्वों को जो है हम एक साथ समन्वय करें, पांचों उंगलियों को जोड़कर पक्षी की चोंच की तरह यह मुद्रा बन जाती है स्मान मुद्रा। पाचन तंत्र मजबूत होता है, क्योंकि स्मान वायु का काम क्या है, नाभि, नाभि से लेकर हृदय तक, कौन से अंग है यहाँ पर, पाचन अंग सारे जो है, पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग बनती है। ये मुद्रा जो है 5 मिनट से ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि बहुत पावरफुल मुद्रा है, लेजर थेरेपी का काम करती है,
लेजर थेरेपी का 5 मिनट से ज्यादा जिस अंग पर आप इसको रखेंगे वहां का दर्द गायब होना शुरू हो जाता है। रखा यहाँ पे पेट में दर्द है थोड़ा सा रखकर घुमा दीजिए बहुत जल्दी वहां का दर्द शुरू हो जाएगा। किसी भी अंग में यहाँ रोग है इस मुद्रा का अनफॉर्चुनेटली प्रयोग बहुत कम हुआ है इसीलिए इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये पांचों तत्वों की इसलिए मेरे लिहाज से ये बहुत पावरफुल मुद्रा है। प्राण मुद्रा से भी अपान से भी सभी मुद्रा से ये बहुत पावरफुल है। पांचों तत्वों का संतुलन पैदा करती है। स्मान मुद्रा मुकुल मुद्रा तो कहते हैं इसको शुक्री शुक्री मुद्रा भी कहते हैं जारी केशव देव। शुक्री मुद्रा भी शुक्र ग्रह ग्रह को प्रभावित करती है। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत लाभकारी राजनीतिज्ञों के लिए पॉलिटिशियन के लिए जिनको संभल कर बोलना पड़ता है उनके लिए बहुत लाभकारी है। दुर्घटनाओं से बचाती है क्योंकि जब पांचों तत्वों का समन्वय हो जाता है पहले सो जाता है दुर्घटनाएं नहीं होती है। अब मैं बस एक मुद्रा और जो है आपको कराने जा रहा हूँ। 5 प्राणिक मुद्राएं करा दी और 8 तत्व मुद्रा। ऑलमोस्ट आप पूरी तरह से डॉक्टर बन गए पूरी तरह से। लेकिन आजकल हृदय रोग बहुत हो रहा है उसके लिए एक मैं मुद्रा का चर्चा करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मुद्रा वही है अपान वायु मुद्रा या मृत संजीवनी। आचार्य केशव देव जी इसको मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं। मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देती है। हनुमान जी की संजीवनी बूटी है। हनुमान जी की लक्ष्मण के लिए लिख रहा है कि क्या मुद्रा है वायु मुद्रा बनाए। तर्जनी उंगली को मोड़कर वायु मुद्रा बनती है और साथ में अपान मुद्रा बनाए जिसके हमने क्या किया एक तत्व मुद्रा का प्रयोग किया है और एक अपान मुद्रा का प्रयोग किया है। ये इस मुद्रा का वायु मुद्रा का मैंने क्या कहा था जहां जहां वायु फंस गई है उसको दूर करती है। हार्ट अटैक क्या होता है ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। वायु वहां सड़क संचार नहीं होता है पेन हो रही है साथ में स्क्वीज हो रहा है हार्ट जो है इमीडिएटली ये वायु मुद्रा उसमें काम करती है। साथ ही आपकी अपान मुद्रा क्या कर रही है आकाश तत्वों को बढ़ा रही है और शक्ति भी प्रदान कर रही है। पृथ्वी मुद्रा शरीर के जो पॉइजनस एलिमेंट्स और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है। तो ये दोनों मुद्राएं जब मिल जाती हैं तो ये मृत संजीवनी मुद्रा टेक्निकल नाम अपान वायु मुद्रा इसको हृदय मुद्रा भी कहते हैं। हृदय रोगों के लिए ये रामबाण है। आपके आर्टरीज में हृदय के आर्ट कोरोनरी आर्टरी में 95% ब्लॉकेजेस भी आ जाए इस मुद्रा का अभ्यास रोज कीजिए आपके ब्लॉकेजेस खुलने शुरू हो जाएंगे बिना किसी दवाई के जो है इतनी गलत हार्ट अटैक हो जाए इसको मुद्रा को बनाने से आधे मिनट में आराम आना शुरू हो जाता है। प्रोस्टेट की गोली या कोई इंजेक्शन भी इतना जल्दी काम नहीं कर सकता है जितनी जल्दी ये मुद्रा काम करती है हृदय मुद्रा। और हार्ट अटैक अक्सर रात को होता है आधी रात बजे अर्ली मॉर्निंग को होता है उस वक्त डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। पहले घर में फैल जाता है क्या हो गया कहाँ जाए क्या करें बस डॉक्टर बंद पड़े हैं अस्पताल ही भागना पड़ता है। और अस्पताल पहुंचते पहुंचते 70% केसेस में दिल्ली जैसे शहर में मृत्यु हो जाती क्योंकि दूरी बहुत है अस्पतालों के लिए। छोटे शहरों में तो मैं समझ लेकिन छोटे शहरों में हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है ज्यादा जो है तो 70% केसेस में हार्ट अटैक में मृत्यु हो जाती है। ये मुद्रा अगर करवा दी जाए तो आप देखेंगे उसके हृदय बिल्कुल डैम डॉक्टर के पास जरूर जाइए क्योंकि आपको मानेगा ना कोई घर में भी कोई नहीं मानेगा। लेकिन ये मुद्रा जरूर करवा दीजिए अस्पताल पहुंचने तक हार्ट का कोई हार्ट डैमेज हो जाता है इरिवर्सिबल डैमेज होता है हार्ट का जो हार्ट अटैक में इरिवर्सिबल जो दोबारा ठीक नहीं होता है ये मुद्रा बना दे उसका हार्ट डैमेज और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। इसी तरह अस्थमा के अटैक में इस मुद्रा को बनवा दीजिए सांस नहीं आ रहा अस्थमा का टाइम है चोकिंग हो रही है इस मुद्रा को बनवा दीजिए। सांस की नली में भोजन फंस गया है इस मुद्रा को करवा दीजिए इमीडिएटली। ऑल इमरजेंसी यूज दिस मुद्रा अपान वायु मुद्रा एनी इमरजेंसी। नर्वसनेस घबराहट हो रही है
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर में भी ये मुद्रा बहुत लाभकारी है। घबराहट हो रही है, ये मुद्रा बना लीजिए, फेफड़े स्वस्थ होते हैं, एसिडिटी में बहुत काम करती है ये मुद्रा जो है, हाइपर एसिडिटी में। उसमें भी क्या होता है, अमल पित्त कहते हैं, हृदय शुरू होता है, हार्ट बर्न होता है, आपको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, हृदय हार्ट का अटैक हो रहा है या एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, इस मुद्रा को बना दीजिए। माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा लाभ करती है ये मुद्रा जो है, सिर दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। वायु मुद्रा क्या करती है, पेन कम करती है। घुटनों के दर्द में, जोड़ों में दर्द में क्या होता है, सूजन हो जाती है, आकाश तत्व कम हो जाता है, आकाश तत्व की कमी को दूर करती है। मांसपेशियां वहां की कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियों को कमजोर कर रही है, सुदृढ़ कर रही है पृथ्वी मुद्रा। तो ये तीनों मुद्राएं बनकर जो है, तीनों मुद्राएं वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा बनकर अपान वायु मुद्रा, ये घुटनों के दर्द में भी बहुत लाभकारी है। अपान वायु मुद्रा हिचकी आनी बंद हो जाती है, दांत दर्द में बहुत लाभकारी है। मैंने बताया था अपान मुद्रा ना, अब दर्द भी हो रहा है और दर्द भी हो रहा है, दांत भी खराब है, तो ये वायु मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों मिलकर जो है मसूड़ों के रोग में बहुत लाभकारी है, दांत दर्द में भी बहुत लाभकारी है। हिचकियां आनी बंद हो जाती है, अकारण आपकी आंखें झपकनी शुरू कर देती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, दाइयां बाइयां बढ़ के स्त्रियों के बढ़ के कई अशुभ माना जाता है कि ये क्या होना शुरू होगा। आप कभी शुभ कार्य में बैठे हो, आपकी आंख पड़कनी शुरू हो जाती है, तो वहम हो जाता है यार ये तो कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। अपान वायु मुद्रा बना लीजिए, आपकी जो है आंख फड़कनी बंद हो जाएगी, फालतू की जो है हिचकी आनी बंद हो जाएगी। जो है नेगेटिव थॉट्स को शरीर के अंदर, मन के अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको दूर करती है इस मुद्रा का जो है लाभ जो है मेंसेस में बहुत ज्यादा। मैं पहले बता चुका हूं अपान वायु मुद्रा बहुत लाभकारी है। ये चमत्कारी मुद्रा है, जितनी जल्दी इस मुद्रा का प्रभाव होता है उतनी जल्दी किसी और मुद्रा का नहीं होता है। इस मुद्रा का एक और लाभ बताकर खत्म करता हूं सत्र को यहीं पर। रूमेटाइड आर्थराइटिस में ये मुद्रा बहुत अच्छा लाभ करती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसा रोग है जिसमें आरए फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस अगर ठीक भी हो जाए तो आरए फैक्टर एक बार पॉजिटिव हो जाता है तो वो नेगेटिव नहीं होता है, कभी नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, वो रह ही जाता है आप ठीक भी हो जाए। लेकिन ये मुद्रा आरए फैक्टर पॉजिटिव आरए फैक्टर को भी नेगेटिव बना देगी, इतनी गजब की मुद्रा है ये जो है, जो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता ये मुद्रा उसको भी कर देगी, पॉजिटिव आरए फैक्टर को भी नेगेटिव कर देगी। सत्र को यहीं पर विराम देते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।